अभी मैं लाइव आ चुका हूँ। ठीक है, आवाज़ आ रही है सबको मेरी? आर्टिस्ट रिया, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है मेरी? सबको एक बार बता दो। के विन्नी वाधवा जी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं अभी लाइव में, और वो एक थ्योरी एक्सपर्ट है, आर्ट थ्योरी एक्सपर्ट। ठीक है, सो उनके साथ हम जो है थ्योरी की आज स्टडी करेंगे, जो भी BFA कॉलेज ऑफ आर्ट में जो है आपकी स्टडी हो रही है, और इवन जो कॉलेज ऑफ आर्ट में मतलब जिन्होंने एडमिशन नहीं भी लिया है, सो उनके लिए भी आर्ट की थ्योरी बहुत ज़रूरी है, थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो उसके लिए आज बहुत कमाल का सेशन जो है होने वाला है। ठीक है, सो ये सेशन जो है सभी को लेना है। और मेरी आवाज आ रही है बता दो एक बार, आवाज आ रही है सबको मेरी? मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ चलो, जी हाँ, ये चलो अच्छी बात है, आवाज आ रही है तो ठीक है। अभी बस थोड़ी देर में वो जुड़ जाएंगे हमारे साथ, और फिर हम जो है ये थ्योरी की जो है तैयारी स्टार्ट कर देंगे यार। चलो चलिए कराए से। हेलो सरोज जी, हेलो हेलो विन्नी जी, कैसे हो? हेलो, हाँ विन्नी मैम, कैसे हो आप? आवाज आ रही है विन्नी? एक मिनट, कट गया उधर। ठीक है, हाँ बस थोड़ी देर में अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा कनेक्ट कनेक्ट करने में दिक्कत आ रही होगी बस। सो बने रहो, सब जुड़े रहो। ठीक है, आज का सेशन बहुत बढ़िया होगा। हेलो, हाँ आवाज आ रही है बिल्ली? आपको आ रही है आवाज मेरी क्लियर? हाँ हाँ जी आ रही है। कैसे हो आप? चलिए, बढ़िया। बढ़िया। चलिए, इसी लाइव के कारण कम से कम बात हो जाती है। जी बिल्कुल। सो आज इसी वजह से, आज वैसे सही है, लोग मतलब ऑडियंस सही जुड़ गई। मुझे लगा नहीं था कि 3 बजे भी इतने टाइम में लोग आ पाएंगे, हाँ, क्योंकि क्योंकि आज तो मुझे भी यही लगा सुबह था कि का दिन के टाइम ऑडियंस कम रहती है और रात को तो फिर भी आ जाते हैं, बट कोई बात नहीं। आपका क्योंकि जो मोटिव था वो भी समझ आया कि हमको शाम तक इसको चैनल पे अपलोड करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस इस चीज का लाभ ले सके, क्योंकि एग्जाम्स है इन लोगों की जल्दी, तो उसी लिए अच्छा हाँ है आज घर पे ही थे तो दिन में हो गया ये। बिल्कुल। आज वो भी 22 तारीख को एग्जाम है, तो ज्यादा टाइम है भी नहीं। तो हाँ, ये फिर तो आज की टाइम थ्योरी ही हम नहीं है मुझे। ऐसी, हाँ आज बिल्कुल ऐसा रखेंगे, जिन्होंने बिल्कुल भी थ्योरी नहीं पढ़ी है ना, तो वो अगर सिर्फ इस सेशन को देख भी लेंगे तो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेंगे।
हाँ मैं बस यही चाह रही थी कि थोड़ा सा पॉइंट्स आप बता देते तो उसपे से जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं ओरली बता दूंगी, तो जो भी ऐसे हैं जो अभी कॉलेज ऑफ आर्ट मतलब जो भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज पेन पेपर लेके बैठे और वो पॉइंट्स नोट करें, वो पॉइंट्स को ही अब आप लास्ट में रिवाइज कर सकते हैं। देखिए पूरी पूरी बुक्स तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप वो पॉइंट्स लेके और उसको नोट कर लें, उसको आप जितनी बार भी मतलब लर्न करेंगे तो सिंपल जो क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोगों से, नहीं तो पूरी चीज में डीप में जाएंगे तो किसी एक को ही पकड़ पाएंगे बाकी चीजें छूट जाएगी। और पेपर ऐसा नहीं बनता है जितना मैंने देखा है, एंट्रेंस का भी पेपर ये सब हम मानेंगे कि ओवरऑल आपका सब कुछ जज होता है इसमें, मतलब ओवरऑल एनालाइज करते हैं वो लोग, सिर्फ एक सब्जेक्ट जैसे कि सिर्फ हिस्ट्री का पूछ लिया या सिर्फ एक कंटेम्प्रेरी और आर्टिस्ट का पूछ लिया, ऐसे पेपर नहीं बनते। पेपर तो आपका पूरा ओवरऑल जो आपका पर्सनैलिटी है, एक एज एन आर्ट फील्ड में जाने के लिए आपकी क्या पर्सनैलिटी है वो आपका वो लोग टेस्ट करते हैं, तो कि आप कितने ज्यादा एक तरह से जागरूक हैं, अवेयर हैं इन चीज को लेके। तो वो पेपर तो है, ये है कि भाई पूरा पूरी चीज में कवर अप तो होती है, मैंने जितना देखे हैं जो दो तीन पेपर अभी हैं देखे तो कवर अप तो वो लोग सब करते हैं, बट हमको क्या पढ़ना है हमने वो देखना है कि एकदम बेसिक पॉइंट्स पे जाएंगे तो वो बेटर रहेगा। तो मैं बस ये चाह रही थी कि सर आप खुद मुझे कुछ पॉइंट्स मतलब टॉपिक बताते जाएं तो मैं उस पे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इनको बता दूंगी तो एटलीस्ट वो लोग उसको नोट डाउन कर लेंगे, बिल्कुल। तो अभी मैं और अगर आपको किसी के डाउट्स हैं तो वो पहले भी कमेंट सेक्शन में चाहे तो पूछ लें तो उस हिसाब से थोड़ा सा सेशन हो पाएगा। थोड़ा ना एंड में वो Q&A क्वेश्चन पेपर जो होंगे आपके पास उसमें से थोड़ा कर लेंगे, क्योंकि हाँ और भले कुछ तो क्वेश्चन ओल्ड। आंसर में भी डाल देंगे ना तो बीच बीच में हाँ अपने पास वो अपन उसको लेते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले हम इंडियन आर्ट की तरफ ले लेते हैं कि इंडियन आर्ट्स में जो जो चीजें आती हैं आप एक बार वो एक्सप्लेन कर दो कि क्या क्या आता है ठीक इंडियन है, आर्ट में। और इंडियन आर्ट से हम पहले मैं चाहती हूँ अपन लोग पहले फंडामेंटल्स पे देखें, क्योंकि कोई भी कॉलेज का एग्जाम हो फंडामेंटल्स तो वो लोग पूछेंगे ही से, तो फंडामेंटल्स में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आपको यही बातें पूछी जाएगी कि जनरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि दो बिंदु के बीच की दूरी को आप क्या बोलते हो, तो आप उसको रेखा बोलते हो कि आपको समझ में आनी चाहिए। किसी भी पेंटिंग है उस पेंटिंग क्वेश्चन ही ऐसे बनते हैं, कुछ भी पेंटिंग है तो उस पेंटिंग में सबसे मुख्य क्या चीज देखी जाती है, मतलब शुरुआत का ऐसे होती है तो वो आप लाइन से देखते हैं, लेकिन किसी भी पेंटिंग का कोई अट्रैक्टिव पावर देखेंगे हम तो वो उसके वर्ण होते हैं उसके कलर होते हैं, ठीक है। प्लस आप चीजों को देख सकते हैं तो एक फंडामेंटल में षडंग होता है, सब जानते हैं षडंग जो कि होता है कि पेंटिंग्स को लेके, तो इसके बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो सकते हैं कि रूप भेद आप लिख सकते हैं कि रूप भेद सबसे पहला षडंग होता है, उसको हम फॉर्म और किसी भी चीज का जो फॉर्म होता है मतलब जिसका रूप होता है उसकी बात होती है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रूप भेद का क्या अर्थ है, तो वो फॉर्म दे देंगे, ऑप्शन में स्पेस दे देंगे, ऑप्शन में कलर दे देंगे, ऑप्शन में लाइन दे देंगे, आपको आंसर देना है कि वो उसका मतलब फॉर्म होता है, ठीक है। रूप भेद पे प्रमाण आता है, प्रमाण मतलब प्रपोर्शन, आपका किसी भी चीज का नाप तोल कितना है, तो ये आप प्रपोर्शन पे आ जाते हैं, रूप भेद प्रमाण। फिर भाव आता है, भाव मतलब एक्सप्रेशन, आप नोट करते जाइए ये क्वेश्चन आएंगे आपके सामने फिर आपको उस चीज को याद आएगी, है ना। तो एक्सप्रेशन, रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, लावण्य योजना मतलब कोई भी पेंटिंग का एस्थेटिक स्कीम जो आप बोलते हैं कि कितना सुंदर है वो, कितना सौंदर्य है उसमें, वो एक चीज आप एक उसपे। मैम मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा इसमें कि जैसे जी मैम जी बहुत हिंदी के भारी भारी वर्ड्स जो यूज कर रही है ना, जैसे कुछ बच्चों के सर के ऊपर से जा रहे होंगे, तो ये जो हिंदी के वर्ड्स होते हैं ना, अब अगर आप हाँ जब आप पेपर दोगे, आपके जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें पीछे की तरफ जो इंग्लिश वाला वर्जन होता है तो उसको आप देख सकते हो कि हिंदी में अगर ये लिखा हुआ है, जैसे आपने कुछ अभी वर्ड बोला ना लावण्य योजना करके, उसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज है। नहीं, बट मैं एक चीज में करेक्शन देना चाहूंगी कि जब हम दोनों सब्जेक्ट, ये दोनों ही उसके लिए कॉमन है, मैं खुद इंग्लिश मीडियम की हूँ लेकिन ये दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा कि लावण्य योजना क्या है, अच्छा इंग्लिश में भी लावण्य योजना आएगा और हिंदी में भी, आपको उसको करना है कि हमें ये नॉलेज ऑफ एस्थेटिक स्कीम या आप हिंदी में बोलेंगे कि सौंदर्य की का नॉलेज या जो भी, जैसे कि है ना भाव में भी यही चीज होगी कि भाव लिखा हुआ आएगा, है ना। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा देखें षडंग में, बस ये जो छह चीज है जैसे वर्णिका भंग, वर्णिका क्या है,
तो वर्ण का मतलब आपको वो इंग्लिश में भी पूछ लेंगे, इंग्लिश में VARNIKA, वर्णिका भंग क्या होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो नॉलेज ऑफ कलर्स एंड कलर स्कीम जो है वो वर्णिका भंग होती है, और ये बहुत बेसिक है, आजकल के बच्चों को पता होता है। अगर हम आर्ट में हैं, पहले के जमाने में होता था कि भाई BFA जब पढ़ेंगे तो थ्योरी में आएगा तब पढ़ा देंगे, लेकिन आज ये बहुत कॉमन चीज है। तो आप चाहें तो चैनल पे इस चीज के वीडियो भी है, वो शॉर्ट में आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा, और नहीं तो बेसिक में आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। फिर सादृश्यता भी होगा, एक एक पांचवा छूट गया, सादृश्यता बीच में। सादृश्य मतलब इसका आप बोलेंगे कि सिमिलिटीट्यूड, कोई चीज किससे मिल रही है, हम किसी चीज को ऐसे मिला के बोलते हैं ना, जैसे कि आप एक एक पैर ही बनाते हैं तो आप उसको कैसे लाइन से क्या बोलते हैं, कोई पाइप बोलता है, कोई इसको है ना कुछ भी, कोई ऐसे लकड़ी जैसा बताता है, कुछ भी जो भी सादृश्यता देता है उसको हम सिमिलिटीट्यूड कहते हैं। तो पेंटिंग में इन चीजों का नॉलेज जरूरी है। दूसरी चीज, थोड़ा इतना तो नहीं आएगा, पर जैसे लाइन है, अगर लाइन पढ़ रहे हैं तो लाइन के अंदर सिर्फ ये नहीं होगा कि दो बिंदु के बीच की दूरी की बात है, आप नोट कीजिए कि जैसे कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उससे आपका अंदर का क्या भाव आता है, एक्सप्रेस होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब स्थिरता, स्टेबिलिटी। तो आ जाएगा क्वेश्चन ऐसा कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या प्रभाव देती है, स्टेबिलिटी देती है, आज बोलेंगे कि अपोजिशन देती है, अपोज रिपोज बोलते हैं जिसको अपन, है ना, एक दृढ़ता देती है या मूवमेंट देती है। तो आपको खुद को ये आना चाहिए कि वो स्थिरता देती है, एक स्टेबल बैलेंस है। इसी चीज में अगर मैं आपको बोलूंगी स्पाइरल, आप स्पाइरल समझते हैं, ऐसा गोल गोल होता है, तो स्पाइरल क्या देता है, तो स्पाइरल को देख के दिमाग में गति आ जाती है कि घूम रहा है, आप उसमें स्थिरता नहीं देख सकते। तो इस तरह के, वैसे ये सबके अलग अलग होते हैं, अभी बोलूंगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे, आप चाहो तो वीडियो पे देख लेना, लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो खुद अपना दिमाग यूज करोगे तो आंसर आ जाएगा, रटने की बात है ही नहीं, खुद ही सोचो। आप जब कुछ चीज घूम रही है तो हमारे अंदर का प्रभाव वो स्थिर कैसे हो सकती है, लेकिन अगर एक चीज जैसी हॉरिजॉन्टल है तो वो बिल्कुल स्थिर है, अगर आप वर्टिकल देंगे तो उसको हम बोलेंगे दृढ़ है, ये ना इधर गिरेगा ना इधर गिरेगा, एक दृढ़ता है उसके अंदर, रिपोज टेक्निक है। तो ऐसी चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल्स के साथ ही हम चीजों को देते हैं तकनीक, टेक्निक। आप लोग सब बहुत अच्छे से जानते हो, क्या जानते हो, वॉटर कलर, वॉटर कलर में बोलते हो कि हम जो लाइन वॉश में काम करते हैं, तो यही तो होता है, पूछ लेंगे वॉटर कलर की कितनी प्रकार की तकनीक होती है, तो या तो वो वॉश में हो सकता है या तो वो गौश में हो सकता है ना। बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, हम इंस्टाग्राम पे ही देखते हैं, वॉश में काम करते हैं, गौश में काम करते हैं। अभी हम उनका निशिकांत सर का ही देखें तो वो पहले वॉश में कार्य करते थे, वो करते वॉटर कलर में ही है काम बिल्कुल, लेकिन वो पहले वॉश में करते थे, अब उनका गौश बहुत अच्छा हो गया। तो क्या है, ये एक ही की दो तकनीक है, कोई अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान दे। दूसरी चीज पूछ लेंगे, क्वेश्चन आता है फिक्सेटिव किसमें यूज करते हैं, अब फिक्सेटिव किसमें यूज करते हो, बहुत कॉमन चीज है। वॉटर कलर दे देंगे ऑप्शन में, ऑयल कलर दे देंगे ऑप्शन में, आपका ड्राई पेस्टल दे देंगे ऑप्शन में, और क्या पेंसिल स्केचिंग दे देंगे ऑप्शन में। आपको खुद को पता है कि हम ड्राई चीजों में फिक्सेटिव का यूज करते हैं, बाकी चीजों में वार्निशिंग और ये चीज अप्लाई होती है। तो ये इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ा दिमाग से यूज लीजिए। चार तरह की पेंसिल दे देंगे आपको, आप खुद प्रैक्टिकल यूज करते हो, HB दे देंगे, 2H दे देंगे, 6B दे देंगे, 8B दे देंगे, आपको बताना है कि कौन सी सॉफ्ट है या कौन सी सबसे लाइट है, कौन सी लाइट चलेगी। तो जितनी हार्ड पेंसिल होगी उतनी लाइट चलेगी, जितनी सॉफ्ट पेंसिल होगी उतनी डार्क चलेगी, जितना मोटा पॉइंट होगा मतलब 8B 10B ऊपर तक जाओगे उतनी वो सॉफ्ट और डार्क होती जाएगी, ये हमको पता है। लेकिन हम क्या है, हम दिमाग में ऐसा बना लेते हैं कि यार हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है तो हमको इसका आंसर नहीं पता। मीडियम और टेक्निक, अगर आप प्रैक्टिकल स्टूडेंट हो आपको कॉपी खोल के पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, अगर आप अच्छे से उसमें लगे हुए हो तो आप उसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे दोगे। इम्पेस्टो का क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये हम बहुत कम जानते हैं लेकिन क्वेश्चन आता है बहुत एग्जाम्स में, इम्पेस्टो तकनीक क्या है। तो इम्पेस्टो तकनीक क्या होती है, जब हम पेंटिंग में मोटी मोटी परतें लगा देते हैं, ऊपर परतों में काम कर देते हैं, तो उसको इम्पेस्टो टेक्निक कहते हैं, बहुत अभी अभी बहुत उसमें आया है। एनकोस्टिक भी एक तकनीक है, तो एनकोस्टिक तकनीक ये होती है जब हम उसमें वैक्स का यूज करते हैं, मोम का यूज करते हैं, तो ये इनकॉस्टिक टेक्निक होती है, ठीक है। तो यही चीजें थोड़ी तकनीक की, अगर अभी बीच में और याद आएगी तो मैं बताती जाऊंगी, बाकी ये नॉर्मल है। हाँ, अलाप्रेमा का बिल्कुल
अला प्रिमा है जो डायरेक्ट आप विदाउट स्केचिंग वर्क करते हैं। गेसो का पूछा था अभी, आया था किसी उसमें कि गेसो क्या होता है, गेसो किस चीज में अप्लाई करते हैं, तो क्या आप ड्राई पेस्टल में गेसो का यूज करोगे? नहीं करोगे, लेकिन वो ऑप्शन में दे देंगे। वॉटर कलर में करोगे? नहीं करोगे। आप उसको टेम्परा या ऑयल पेंट, इसी में हम गेसो का जो वो अप्लाई करते हैं वो होता है। तो ये जो बेसिक नॉलेज है वो होना बहुत जरूरी है अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। ये सब चीजें बस फंडामेंटल और टेक्निक्स में यही आएगा, और इनको आपको थोड़ा सा इसका कमांड लेना जरूरी है। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा ये एक्चुअली वाली बुक अगर है आपके पास, देखिए ये इस तरह की है, ये बुक 11th 12th की जो होती है, ये मेरे पास दूसरे आर्टिस्ट वो राइटर की होगी, आप लोग के पास जो भी हो, तो आप एटलीस्ट टॉपिक उसका यूज करें कि ये टॉपिक बनते हैं, है ना। उसमें फिर अपन को क्वेश्चन क्या देना है वो अपन देख लेंगे। अब इंडियन आर्ट में ही आता है तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग से शुरू करते हैं। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में आपको सबसे पहले भीमबेटका की क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, आए हुए बहुत बार कि भीमबेटका को किसने इन्वेंट किया। V.S. वाकनकर जी ने किया, हमारे विक्रम यूनिवर्सिटी के ही रहे हैं वो, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड, उन्होंने जो है V.S. वाकनकर जी ने 1958 में इसको इन्वेंट किया। बहुत बार क्वेश्चन आ सकता है, उसको आप दिख लें। सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की खोज कहाँ हुई? तो मिर्जापुर यूपी में हुई, ध्यान रखिए सब। कौन सा किसने सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की? तो जॉन कॉकबर्न ने किया, है ना। तो ये कुछ कुछ नाम आपको बिल्कुल पूछे जाएंगे, बिल्कुल आएंगे, इसको अपन निग्लेक्ट नहीं कर सकते। भीमबेटका की गुफाएं किस समय की थी? तो ये मीजोलिथिक मध्य पाषाण काल जिसको बोलते हैं उसमें थी। जो स्टोन एज है, जो हम प्री हिस्टोरिक पीरियड है, वो कितने पार्ट में डिवाइड है? तो वो 3 पार्ट में डिवाइड है। ये क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये इनमें से ही आएंगे आपके, प्री हिस्टोर पेलियोलिथिक मीजोलिथिक नियोलिथिक। तो ये चीजें आप लोग थोड़ा सा उसमें प्री हिस्टोरिक में देख सकते हैं। फिर आगे आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा टाइम का था? प्रोटो हिस्टोरिक टाइम, प्री हिस्टोरिक नहीं था, क्योंकि इस समय लिपि मिल गई थी। प्री हिस्टोरिक वो टाइम होता है जहां हमें ना लिपि मिली, ना कुछ मतलब लिखित अवशेष मिले, और ना कोई पुरातात्विक वैसे अवशेष मिले जिसको हम कुछ एक प्रूफ दे सकते हैं। ठीक है, तो वो प्री हिस्टोरिक। लेकिन ये क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी सभ्यता किस समय का है? तो ये प्रोटो हिस्टोरिक समय। उसके मुख्य केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, इसके मुख्य सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का ही क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कौन से देश में स्थित है, तो आप लिख के आ जाओगे भारत में स्थित है, जबकि भारत नहीं, ये पाकिस्तान की सभ्यता है, पाकिस्तान में है ये दोनों आज, है ना। भारतीय जो है, इसी का एक करंट बताऊंगी कि कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है जिसने जिसको अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी अभी लास्ट ईयर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करा है। ढोलावीरा गुजरात की, भारत की ढोलावीरा जो साइट है उसमें साइन बोर्ड भी मिले हैं और उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया है। तो ये करंट भी साथ साथ थोड़ा सा जिसके साथ एसोसिएट है, आपको वो देखने की जरूरत है। बहुत बेसिक देखना है, ज्यादा कुछ डीप में नहीं जाना। ठीक है, यही हम बोलेंगे राखी गढ़ी ढोलावीरा ये जो है कुछ बड़े साइट है, मतलब एरिया में काफी बड़े है भारत के, है ना। ऐसे तो मोहनजोदाड़ो है सबसे बड़ा साइट जो है, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं बस। और किसने इन्वेंट किया? तो मोहनजोदाड़ो का देख लो, लिख दो आप, लिख लो चाहो तो। आरडी बनर्जी ने इनका वो किया था 1921 में और 1922 में, और दयाराम साहनी अभी लास्ट एक कल ही एग्जाम में आया है आरपीएससी में, दयाराम साहनी ने हड़प्पा को इन्वेंट किया। ये दो चीज आप देख सकते हैं, एक्सकेवेट मतलब उसको सामने लाए हम लोगों के, बाकी सब क्या इतना देखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी साइट होती है, लेकिन मुख्य केंद्र को पढ़ लो। अब मुख्य केंद्र में ही देखिए कि हड़प्पा में क्या चीज मिली है, तो हड़प्पा में पुरुष धड़ मिला है, रेड पत्थर का, है ना, पुरुष धड़ मिला है। फिर आप इसका देखो, मोहनजोदाड़ो देखो, तो दाढ़ी वाली योगी की मूर्ति पूछेंगे कि वो कहाँ पे मिली है, पूछेंगे इनमें से एक चीज तो पूछेंगे, मेरे से आप बता दो, ये जरूर पूछेंगे। कौन कौन सा पूछ सकते हो? क्यों पता है? क्योंकि डांसिंग गर्ल पूछेंगे, ब्रॉन्ज से बनी हुई है, ये पूछ लेंगे कि किससे बनी हुई है, तो ब्रॉन्ज से बनी हुई है। डांसिंग गर्ल कहाँ मिली है? तो मोहनजोदाड़ो में मिली है।
आज कहाँ पे है, तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट आपके दिल्ली में ही है, इसलिए वो पूछेंगे। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा देखिए, मेन वर्क पे फोकस करना है। ऐसे तो बहुत चीजें, पशुपति की सील कहाँ मिली है, तो मोहनजोदाड़ो में मिली है। तो ये तीन चार चीजें इतनी जरूरी है कि हमें उसको देखने की बहुत जरूरत है। इसमें से तो यही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, फिर सर मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि इसमें इनको जैसे मौर्य पीरियड, गुप्त पीरियड, कुषाण पीरियड, इससे रिलेटेड हाँ क्वेश्चंस जी, आते हैं कि सिर्फ पेंटिंग से रिलेटेड आते हैं? नहीं इससे भी आते हैं, इससे रिलेटेड आते भी हैं, आएंगे। ठीक है, हाँ जी, आते हैं, और ठीक सिंधु है। घाटी तो में फिर मातृ हाँ, देवी की मूर्ति भी है, वो भी आ हाँ सकती है। मातृ देवी की पकाई मिट्टी की मूर्ति, पकाई मिट्टी, ये क्वेश्चन आएगा कि कहाँ पे पकाई मिट्टी की मूर्तियां पाई गई है, या पकाई मिट्टी से वहां पे आर्किटेक्चर वास्तुकला भी बने हैं, तो ये सिंधु घाटी की स्पेशलिटी है। टेराकोटा की मातृ देवी की मूर्ति, मदर गॉडेस की मूर्ति आपको मोहनजोदाड़ो में प्राप्त है। ये सब नोट कर लोगे तो आपको आखिरी दिन बहुत आसान हो जाने वाली है चीजें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा मोरे आवाज का क्लैश हो लगा रहा है था, कुछ। हाँ, अब हम आगे मोरे का स्कल्पचर पे लगा जा रहे हैं, अभी पेंटिंग पे नहीं जा रहे हैं, जी। मैं थोड़ा सा स्कल्पचर मौर्य पीरियड पे जा रहे हैं। तो मौर्य पीरियड में हमको कुछ नहीं देखना, उसका संस्थापक कौन था? सबको पता है चंद्रगुप्त मौर्य, टीवी में भी देखते थे इनकी चीजें, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य इज इम्पोर्टेंट, उनने आपका 4th सेंचुरी ईसा पूर्व में मौर्य पीरियड का मौर्य जो वंश है उसका स्थापना की थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद मेन चीज जो है वो है अशोक, उनके पौत्र, उनके बेटे का कोई मतलब नहीं, उन्होंने ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन अशोक, है ना, अशोका ने जो है मेन क्या चीज है हमारे यहाँ बनाई, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सारनाथ का पिलर। सारनाथ में है पिलर्स, हैं पिलर्स मतलब समझते हैं, जो आप कॉलम्स होते हैं ना, बड़े बड़े पिलर्स वैसे बनाए हैं उनने। वो उसका मेन थॉट क्या था? बुद्धिज्म, बुद्धिज्म है ना, बुद्ध धर्म के प्रवर्तक बन गए थे वो, क्योंकि कलिंग युद्ध हुआ था, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे अशोक महाराज, तो उनने इसलिए बुद्ध उसमें गए थे और फिर ये चीजें बनाई, स्तूप का निर्माण कराया, पिलर्स बनवाए, ठीक है, गुफा 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 निर्माण हुई, ये सारी चीजें। लेकिन आपको जो मेन देखना है वो आपको देखना है पिलर्स, पिलर्स में सबसे इंपॉर्टेंट सारनाथ का पिलर। ठीक है, तो सारनाथ के पिलर में क्या था? सारनाथ के पिलर में वही है जो आपका नेशनल एम्बलम होता है, चार जो आपके सिंह की वो है ना, वो सारनाथ के पिलर में से दी गई है। तो ये क्वेश्चन आया है आपके बीएफए एंट्रेंस में कि सारनाथ के पिलर से या नेशनल एम्बलम जो लिया गया है वो कौन से पिलर से आया है, मतलब कहाँ से लिया गया है? तो वो अशोक में जो सारनाथ स्तंभ जो अशोक कालीन है उसमें से लिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज मौर्य पीरियड की, द वेरी इंपॉर्टेंट वन ये है कि वहां की स्पेशलिटी क्या थी। तो वहां की स्पेशलिटी आप खुद आज जाके देख लो, आप मौर्य पीरियड के पिलर्स देख लो या मौर्य पीरियड के स्कल्पचर देख लो, उसकी शाइनिंग उतनी ज्यादा है जितनी आज के रिसेंट मूर्ति में से भी नहीं होगी। ये वहां की स्पेशलिटी, मुझे नहीं पता वो उस समय क्या ओपदार पॉलिश करते थे, क्या करते थे, लेकिन वो आपका इतनी शाइनिंग थी। तो क्वेश्चन आएगा कि कौन से समय की मूर्ति की स्पेशलिटी थी द शाइनी सरफेस, मतलब कांच की तरह चमकता है वो सरफेस, आज भी उस समय की गुफा कांच के जैसी दिखती है। तो ये चीज आपको क्वेश्चन आएगा। मौर्य में ही अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था, मैं मुख्य बता रही हूँ, पिलर्स बहुत सारे बनवाए, स्तूप तो 84,000 बने, लेकिन हम बात कर रहे हैं जो मेन है। तो सांची का स्तूप कहते हैं कि बरहूत, बरहूत में डेवलप हुआ, जैसे कि आज का जो बना हुआ है ना वो उसको बनाया बरहूत के समय, शुंग पीरियड वालों ने बनाया, लेकिन उसका जो मुख्य निर्माण है, उसका जो स्टार्टिंग का निर्माण था, वो निर्माण अशोक द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन आएगा कि सांची बरहूत के स्तूप कहाँ किसने बनाए हैं, तो वो आपको अशोक ही सही करने का है। ठीक है, फिर हम अशोक इसी पे आते हैं, तो उससे बनवाया था, फिर ईटों से शुंग पीरियड, हम शुंग पीरियड पे आ जाते हैं, तो शुंग पीरियड का एक ही क्वेश्चन आएगा सबसे बढ़िया कि उसके संस्थापक कौन है। क्यों संस्थापक इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि पुष्यमित्र शुंग जो है उन्होंने शुंग पीरियड से बनाया था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो है उन्होंने शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। क्यों की थी? क्योंकि वो वहीं के सेनापति थे, मौर्य पीरियड जिसको उन्हें हराया था ना, उसी के सेनापति थे, लास्ट राजा बृहदत्त उसको हरा के और इनने अपना स्थान बना लिया था। तो पुष्यमित्र शुंग आ सकता है कि उसके संस्थापक कौन है। ठीक है, दूसरी चीज मेन सेंटर पूछ सकते हैं, तो बरहूत और सांची आप बता दो, सांची और बरहूत कौन से प्रदेश में स्थित हैं, तो वो आप बता सकते हो, हमारे ही प्रदेश में है वो, मध्य प्रदेश में है, तो क्वेश्चन आ सकता है वो शुंग, बस इतना नहीं, इससे ज्यादा नहीं आएगा।
आगे बढ़ते हैं तो अमरावती भी होगा, तो वैसे नहीं आएगा, साउथ का ही है। अमरावती भी आंध्र किंगडम ने बनाया है, पूछेंगे तो यही पूछेंगे कि किसने बनाया है। तो आंध्र किंगडम जो सातवाहन पीरियड जो थे, नॉर्थ साउथ की चीज है ये, वैसे इसलिए नहीं बताएंगे, ठीक है। सभी का एक ही उद्देश्य था बुद्धिज्म। कोई भी स्तूप का पूछ लिया जाए तो आप सब समझेंगे कि वो बुद्ध, क्योंकि स्तूप निर्माण ही बुद्धिज्म के फॉलो होके ही हुआ गया है, ठीक है। तो ये चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इसके बाद हम जाते हैं, कुषाण पीरियड आता है, यही सीक्वेंस की टाइमलाइन याद रखना। चार चीजें देके पूछ लेंगे, साची सारनाथ का पिलर दे देंगे, सिंधु घाटी की डांसिंग गर्ल दे देंगे आपको, कोई सी बुद्ध की, जो कटरा टीला की बुद्ध की मूर्ति दे देंगे, और आगे कुछ भी महाबलीपुरम या किसी का कुछ दे देंगे, और पूछेंगे कि इसको सीक्वेंस में लगाओ। तो इस सीक्वेंस से अगर आप लिखोगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा, है ना, कि सबसे पहले कौन सी थी और सबसे प्रेजेंट कौन सी है, ठीक है। फिर हम कुषाण पीरियड में कुछ नहीं देखना, सबसे बड़ी चीज कुषाण पीरियड में कहाँ का इफेक्ट है, बहुत क्वेश्चन आता है, यूनान का, ग्रीक का इफेक्ट है, इंडो ग्रीक कहते हैं कुषाण पीरियड को, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, कुषाण, ठीक है। फिर कुषाण के मेन सेंटर तो मथुरा और गंधार, ये दो मेन सेंटर हैं। बुद्ध की मानव निर्मित मूर्तियां, मतलब अभी इससे पहले तक बुद्ध को सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में पूजा जाता था, लेकिन अब जो हम मानव निर्मित जो रूप देखते हैं वो इसी समय पे हुआ था, ठीक है। मथुरा से मिली थी सबसे पुरानी, तो लेकिन कुषाण पीरियड में हुआ था, ठीक है। इतना पूछेंगे और कुछ कुषाण में तो ज्यादा नहीं होगा। अब मथुरा, सॉरी, गुप्त पीरियड में आते हैं। तो गुप्त पीरियड का द वेरी इंपॉर्टेंट गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन स्कल्पचर, स्वर्ण काल, मतलब ऐसी मूर्तियां बनी हैं जो स्वर्ण काल का है ना, तो फर्स्ट स्वर्ण काल गुप्त पीरियड को माना जाता है, और सिर्फ इंडियन स्कल्पचर नहीं, सॉरी, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी गुप्त पीरियड में हमारे अजंता की पेंटिंग्स हुई हैं, अजंता की पेंटिंग्स हुई हैं, और इसलिए कहा जाता है कि वो वहां का स्वर्ण युग है, ठीक है। तो अब इसी गुप्त से मैं पेंटिंग की तरफ घूम रही हूँ, अजंता की तरफ घूम रही हूँ। जब हमारी रॉक पेंटिंग्स हुई, अजंता इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक किसी भी आर्ट एग्जाम के लिए, अजंता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अजंता में आपसे पूछ लेंगे कहाँ लोकेट है, महाराष्ट्र में लोकेट है, ठीक है। कौन सी नदी के पास लोकेट है, भगोरा नदी के पास लोकेट है। फिर पूछ लेंगे कितनी गुफाएं हैं, ये सब बेसिक है, 30 गुफाएं हैं, ठीक है। उसका शेप पूछ लेंगे कौन सी शेप में है, तो अर्ध चंद्राकार शेप में दिखता है वो, आप दूर से देखेंगे अजंता एलोरा गुफा, बहुत लोग गए रहते हैं, तो ये पूछ लेंगे कितने प्रकार की गुफाएं हैं, तो दो प्रकार की गुफाएं, लिखते जाइए बार बार, ये बहुत स्पीड में बोल रही हूँ लेकिन ये आपके कितने क्वेश्चन है वो आप भी नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो दो प्रकार की गुफाएं हैं, चैत्य और विहार, ठीक है। चैत्य गुफा क्या है, चैत्य गुफा यह है जहां पे बौद्ध धर्म की पूजा किया जाती थी, जिसको आप स्तूप भी कहते हैं, ठीक है, जहां पे वो डाइटी की पूजा करते हैं। लेकिन विहार क्या है, जहां पे वो भिक्षुक रहते थे, विहार से आपको समझ आ रहा है, जिसको चंपाराम भी कहते हैं, ठीक है। ये एक अदर नेम है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि चंपाराम किसका नाम है, मतलब चैत्य का है कि विहार का है, ठीक है। इतना पूछ के इसके बाद पेंटिंग्स में आ जाते हैं कि कितनी पेंटिंग, कितनी केव्स आज पेंटिंग्स उपलब्ध है ना, तो 6 से 7 गुफाओं में आज पेंटिंग्स उपलब्ध है। तो केव पेंटिंग्स जो कि जिसमें पेंटिंग है वो आप याद रखें, 1, 2, 9, 10, 16, 17 और 11 और 29, ठीक है। तो ये जो है 11 और 29 में बहुत कम है, बाकी सब में ज्यादा है, तो आप उनको ध्यान रखें। फिर हम आते हैं कि पेंटिंग्स कौन कौन सी है, तो क्वेश्चन आपका आएगा कि पद्म पानी बोधि सत्व की पेंटिंग कहाँ पे है, अजंता में है। पद्म पानी बोधि सत्व या अवलोकितेश्वर भी है, यहीं पे ही आप ले लो, इसकी पेंटिंग अजंता की कौन सी नंबर गुफा में है, तो 1 नंबर गुफा में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और डाइंग प्रिंसेस की पेंटिंग कहाँ पे है, तो केव नंबर 2 या 16, जो आपका ऑप्शन में हो आप वो लिख देना। बुद्ध की जो अजंता की पेंटिंग्स का मुख्य विषय क्या है, तो जातक कथा है। अब क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि जातक कथा क्या है, तो जातक कथा है बुद्ध की पूर्व जन्म की कथा है, जो भी बुद्ध ने जितने जन्म लिए ना उसकी कथाओं यही है। साची स्तूप में भी जाके देखो यही बने हुए, अजंता वगैरह भी जाओ तो भी यही बने हुए। तो बस यही कुछ पेंटिंग बेसिक है,
कौन से कलर बैकग्राउंड में पाया गया है, तो लापिस लजूली आपको पता है, लापिस लजूली पूछ लेंगे कि लापिस लजूली से कौन सा कलर बनता है, तो ये आपको ये एक नीचे कमेंट में मुझे दिख रहा है, वेरी गुड, 9, 10, 19, 26, 29 चैत्य है और बाकी विहार है, तो चैत्य और विहार भी कौन कौन सी गुफा है आपको वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, बस ये बेसिक हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अजंता के बाद ही बाघ में से क्या पूछेंगे, बाघ का प्रदेश पूछ लेंगे कि मध्य प्रदेश में है वो, बाघ गुफा जो है वो किसके कंटेम्प्ररी है ये पूछ लेंगे, तो अजंता के कंटेम्प्ररी इसमें पेंटिंग्स बनी है, ठीक है, तो ये चीज में थोड़ा ध्यान रखना। फिर और भी गुफाएं तो बहुत है, बादामी गुफा है तो वो हिंदू धर्म से रिलेटेड मोस्टली है, नटराज वहां पे मिला है तो ये ध्यान रख लो आप। फिर हम सीतन वसल पे भी आएंगे, तो सीतन वसल का इकलौता क्वेश्चन कि जैन धर्म से रिलेटेड पुरानी पेंटिंग्स कहाँ मिली है, तो सीतन वसल में मिली है, ध्यान रखना है, ठीक है, तमिलनाडु में है वो। फिर हम आते हैं सिगिरिया, तो सिगिरिया का यही पूछेंगे कि सिगिरिया कौन सी कहाँ पे स्थित है, तो सिगिरिया का याद रखो श्रीलंका की गुफा है वो, है ना, श्रीलंका में जो गुफा है वो वहां पे स्थित है, ठीक है, तो यही कुछ गुफा चित्रण है। फिर आ जाते हम पेंटिंग्स का ही, जब मिनिएचर पेंटिंग स्टार्ट हुई, तो मिनिएचर पेंटिंग आपकी स्टार्ट हुई थी पाल शैली से, ठीक है, पाल शैली से हुई थी, पाल जो राजा थे उसमें मिनिएचर, क्वेश्चन आ जाएगा कि मिनिएचर कहाँ से स्टार्ट हुई। दूसरी चीज जो पाल शैली में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि पाल शैली के समय कहाँ पे पेंटिंग्स हुई, मतलब किस चीज पे पेंटिंग हुई, तो ताड़पत्र पे पेंटिंग हुई, पाम लीव इंग्लिश में, पाम लीव्स पे पेंटिंग हुई, उस समय ना कपड़ा था ना आपका क्या पेपर था, ठीक है, इन सब की इन्वेंशन 13th-14th century में हुई थी, हम इससे पहले यहाँ पे ये पेंटिंग्स ऐसी हुई थी। फिर जैन शैली, तो जैन शैली में आप थोड़ी सी याद रख लो कि ये कहाँ पे हुई थी, गुजरात एरिया में पहले ज्यादा हुई थी, फिर धीरे धीरे सब जगह हो गई थी, नॉर्मल, बाकी जैन मैन्युस्क्रिप्ट इतना कुछ आएगा भी, नाम आ सकता है कल्पसूत्र कौन से धर्म से रिलेटेड की मैन्युस्क्रिप्ट है, तो जैन है, कालकाचार्य कथा यही आ जाएगा, विनायक पट्टिक आ जाएगा, तो विनायक पट्टिक बुद्धिज्म ग्रंथ है ना, तो ये चीजें थोड़ी बहुत आएगी। अब मेन चीज आती है राजस्थान पेंटिंग, वो भले पूरे देश में एग्जाम दे लो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान में दोगे तो ही आएगा, पूरे देश में एग्जाम दे लो, राजस्थान पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग्स जो है बेस है इंडियन पेंटिंग का, इंडियन हिस्ट्री का बेस है, तो हमको वो आना बहुत जरूरी है। तो आप उसमें से यही बोलेंगे कि मिनिएचर वहां का स्पेशलिटी रहा है, मुख्यतः कौन सी कितनी चार रियासतों में डिवाइड है वो, मेवाड़, मारवाड़, हरोती, भूडा, और आप इसमें मतलब मैं इसको कैसे छोटा करूं थोड़ा सा, हाँ इसमें एक मुख्य चीज में आप ये देख सकते हो जो कि 11th-12th के उसमें दिखाया जाता है, वो दिखाया जाता है जो पेंटिंग्स है, मतलब कुछ चार पांच पेंटिंग्स है उसको अच्छे से याद रख लो कौन सी पेंटिंग्स किसने बनाई है, ठीक है, तो मैं इसको एक बार पढ़ के बता देती हूँ, ये बड़ी उसमें तो नहीं आती पर 11th-12th में ये बहुत आती है, मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो आपकी किशनगढ़ की बनी ठनी राजा सावंत सिंह के समय बनी, निहाल चंद ने बनाई, लिख लो इसको, आएगा ये क्वेश्चन। फिर आते हैं ये कृष्ण ऑन स्विंग, झूले पे बैठे हुए कृष्ण, ठीक है, नूरुद्दीन ने बनाई, बीकानेर के टाइम की है, बस इतना याद रखने का है, आर्टिस्ट याद रख लो, कौन से स्कूल का है ये याद रख लो, बहुत हो जाता है, ठीक है। खंजन पक्षी, खंजन पक्षी जैसे नेत्र, ये कौन से समय के बने हैं, तो किशनगढ़ के समय ये बना गया है, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा ये चौगन प्लेयर्स, ठीक है, चौगन प्लेयर्स जो है ये जोधपुर का है, दाना ने बनाया है, आर्टिस्ट दाना और जोधपुर। मारू रागिनी, मारू रागिनी जोधपुर में भी बनी है, मतलब मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की पेंटिंग्स है, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन टॉपिक, एक लव स्टोरी है वो, और उस पे पेंटिंग बनी गई है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मेवाड़ की है और उसको साहिब दीद ने बनाया है, ठीक है, तो ये आर्टिस्ट और पेंटिंग याद रखिए थोड़ा सा। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि शिकार दृश्य कौन सी शैली में बने, बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ है आपके बीएफए के पेपर्स में, देखिए कि शिकार से रिलेटेड दृश्य, हंटिंग रिलेटेड दृश्य किस पे बने हुए हैं, तो वो कोटा, कोटा में बने हैं, ठीक है। और मैं एक बार थोड़ा सा बुक देख लेती हूँ कि क्या बताना चाहिए, राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा, ये भी एक है बूंदी शैली का है, और उत्कल राम, ये उनके आर्टिस्ट है, उनने बनाया है, ठीक है। बस इतनी चीज आप देख सकते हैं, और टेक्निक वगैरह तो आपको पता है, वसली क्या होता है, वसली क्वेश्चन आता है, वसली एक प्रकार का सरफेस है, एक पेपर है जो वो स्पेशली बनाते थे फॉर द मिनिएचर्स, है ना, एक के ऊपर एक रख के, तो ये भी आ सकता है। और क्या होगा,
2 मिनट का टाइम लेती हूँ, मैं देख लूँ एक बार, क्योंकि बहुत राजस्थान मिनिएचर अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आपको क्या चीज याद रखनी चाहिए बस उतना देख लेते हैं। राजपूत पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग क्या होता है? राजपूत पेंटिंग मीन्स राजस्थान पेंटिंग प्लस पहाड़ी पेंटिंग्स, उस दोनों को नाम दिया है राजपूत पेंटिंग। और ये राजपूत पेंटिंग का नाम किसने दिया है? तो आनंद कुमार स्वामी, बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट हिस्टोरियन, इन्होंने इसका नाम दिया है। ठीक है, अब राजपूत, इसी पे आगे हम बढ़ते हैं पहाड़ी पे। मैंने जब अपनी लास्ट क्लास में बताई थी ये चीज कि जब पहाड़ी नहीं, चलो पहले मुगल देखते हैं, तो मुगल में भी आपको कुछ नहीं देखना है। अकबर के समय क्या हुआ? अकबर, जहांगीर, मेन इंपॉर्टेंट, और शाहजहां, इन तीन कला, इन तीन राजाओं के समय जो भी आर्ट हुआ है उसको देखना है। शुरुआत आपकी हुमायूं से हो गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पर्शिया से हुमायूं किन दो आर्टिस्ट को लेके आए थे? ठीक है ना, ख्वाजा अब्दुसानिद और मीर सैयद अली, ये दो को लेके आए थे। तो इनको आप बिल्कुल लिख लो, ये आ सकते हैं। बस हुमायूं पे और कोई पेंट, कोई वर्क, कोई काम नहीं बनेगा। एक इंडो इस्लामिक का बोल रहे थे आप लोग, तो उसको अपन इसी में जोड़ लेते हैं। इंडो इस्लामिक मतलब इनके समय जो वास्तुकला बनी, मैं अभी ये पेंटिंग की बात कर रही हूँ, तो वास्तुकला हुमायूं के समय यही कि हुमायूं के मकबरा की क्या स्पेशलिटी है? तो क्या स्पेशलिटी है? डबल डोम, ऐसा डबल डोम बना है, मतलब एक आर्किटेक्चर में उन्होंने डबल डोम की प्रवृत्ति से बनाई है, जो कि यूरोप में बोटिसिली ने काम किया था, जिसमें वो चीज इंडिया में यहाँ पे हुई थी। तो आप उसको भी थोड़ा सा लिख सकते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज हो गई, फिर अकबर पे आते हैं। तो अकबर का समय लिटरेचर के लिए स्वर्ण युग था, ध्यान रखिएगा। अकबर के समय हिंदू मुस्लिम को साथ में लेके काम करने के लिए उसने चालू की थी, दीने लाही पॉलिसी किसने चालू की थी? अकबर ने की थी। अकबर के समय हिंदू पेंटर्स बहुत ज्यादा काम करते थे, मतलब मुस्लिम से भी ज्यादा हिंदू पेंटर्स काम करते थे। ठीक है, सलीम का जन्म है इस समय के, ये दो तीन आर्टिस्ट हैं, दासवंत, बसावन, अबुल हसन, ये सब जो है अकबर के टाइम के पेंटर्स है, इतना याद रखिएगा। और क्या बोलेंगे, सलीम का जन्म एक बहुत फेमस पेंटिंग है, वो किस समय बनी है? इसमें भी जैसे अभी मैंने आपको 4-5 राजस्थान की पेंटिंग नोट कराई, वैसे इसमें भी है, जैसे कि कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, मिस्कीन इस समय के बढ़िया कलाकार थे अकबर के समय, तो ये गोवर्धन पकड़े जो श्री कृष्ण की, ये सोचो मुगल का टाइम के पीरियड में बनी थी और अकबर के टाइम में बनी थी, हिंदू टॉपिक पे। ठीक है, बाबर क्रॉसिंग द रिवर सोन, मतलब सोन रिवर को क्रॉस करते हुए बाबर, ये जो पेंटिंग है ये भी किसने बनाई थी? जगन्नाथ ने बनाई थी। और इस तरह की पेंटिंग ये भी अकबर के टाइम पे बनी थी। बस इतना पता होना चाहिए पेंटिंग किस पीरियड में बनी है, पेंटिंग के आर्टिस्ट कौन है, बस इतना पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम मंसूर, बहुत इंपॉर्टेंट मंसूर, अब जहांगीर पे आते हैं। जहांगीर के समय जो है अपने उस्ताद मंसूर, बहुत इम्पोर्टेंट पेंटर, पक्षी चितेरे थे वो। ठीक है, फैल्कन, नील गाय, ये सारी पेंटिंग, पशु पक्षी का चित्रण बहुत अच्छे से करते थे। नादिर उल असर की उपाधि दी थी जहांगीर ने इनको। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कर लीजिएगा। फिर उस्ताद फाकिर उल्ला खान, उस्ताद फाकिर उल्ला खान ने बनाया था ये आपका कबीर और रायदास, ये आपके शाहजहां के टाइम पे बना था, तो ये थोड़ा सा ये भी देख लेना। एक ये दारा शिकोह की बारात, ठीक है, दारा शिकोह की बारात, ये भी आपकी हाजी मदनी ने बनाया था, हाजी मदनी जो फेमस आर्टिस्ट है उनने बनाया था। ठीक है, तो बस इससे ज्यादा ज्यादा आएगा नहीं। अकबरनामा के समय जो पेंटिंग्स हुई, हमजा नामा आ सकता है, अकबर के समय पे पेंटिंग हुई, उसमें यही ख्वाजा अब्दुसानंद और मीर सैयद अली, इनने पेंटिंग की थी। ठीक है, तो इससे ज्यादा और कुछ क्या, थोड़ा सा सोच लेती हूँ। हाँ, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया मुगल पेंटिंग, पेंटिंग की जो आपकी गोल्डन एज आया, तो वो सबसे अच्छी पेंटिंग जहांगीर के समय हुई है, क्योंकि माना जाता है जहांगीर खुद बहुत बड़े कलाकार की थे, ही वॉज एन आर्टिस्ट ऑल्सो। अगर कोई चार व्यक्ति एक पेंटिंग बनाएगा, मतलब चार व्यक्ति ने एक पेंटिंग बनाई होगी, तो जहांगीर बता देते थे कि इसमें ये काम इसने किया है। तो वो चीज आप भी जानते हैं कि वो चीज वही व्यक्ति बता सकता है जो खुद एक आर्टिस्ट हो, कि भाई उसमें लाइनिंग किसने किया है। तो इसलिए इस समय गोल्डन एज माना जाता था, पक्षी नेचर लवर थे जहांगीर, इसलिए वो सब्जेक्ट ज्यादा वहां पे होती थी। ठीक है, शाहजहां के समय पेंटिंग थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया और आपका आर्किटेक्चर बढ़ गया, उसका एग्जाम्पल आप खुद देख सकते हैं, लाल किला बनाया, ताजमहल बनवाया, तो ये सब क्या है वो सब आप बता सकते हैं।
ठीक है, साथ में क्वेश्चन कुछ कुछ चल रहे हैं। हमजानामा एक मैनुस्क्रिप्ट है, ग्रंथ जिसको बोलेंगे, अकबर के समय हुई थी और हमजा उन्हीं के अंकल थे, तो उन्हीं के उस पे वो पेंट उनने जो पूरी मैनुस्क्रिप्ट लिखते थे। मैनुस्क्रिप्ट पेंटिंग इस समय की बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि उनकी आप उनके ऊपर अगर आप ग्रंथ लिख रहे हो तो उसमें भी तो पेंटिंग्स की जरूरत पड़ती थी। तो ऐसे ही हमजानामा में 1200 पेंटिंग्स हैं टोटल। ठीक है, बस उसमें ज्यादा नहीं देखना, ये देखना कि हमजा नामा किसके समय लिखी गई थी, किसके समय चित्रित हुई थी। ठीक है, तो उसकी शुरुआत तो हुमायूं के समय हुई थी लेकिन इसका चित्रण कार्य अकबर के समय हुआ था। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। ये मुगल कंप्लीट मुगल का डिक्लाइनिंग मुगल पेंटिंग का डिक्लाइनिंग जहांगीर के समय से स्टार्ट हो गया था, सॉरी शाहजहां के समय से स्टार्ट हो गया था क्योंकि आर्किटेक्चर पे ज्यादा महत्व था। ताजमहल आप सबको पता है शाहजहां के समय बना, किसके लिए बना? मुमताज के लिए बना, लेकिन ये नहीं पता होगा कि बनाया किसने, वास्तुकार बहुत कम लोगों को बना था। ठीक है, तो वास्तुकार कौन है? उस्ताद अहमद लोरी, याद रखिए उस्ताद अहमद लोरी ये ताजमहल के वास्तुकार है। क्वेश्चन पूछते हैं, आपके अभी बीएफए लास्ट ईयर के एंट्रेंस पेपर देख रही थी तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कैसे बना है? संगमरमर से बना है, आपको पता है। और इंडो इस्लामिक में भी देख लेते हैं अभी साथ में, तो कुतुब मीनार दिल्ली में है पता है, लेकिन किसने बनाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है। उसमें एक स्टोरी किसने ऐड करी है? तो फिरोज शाह तुगलक ने ऐड किया है। और उसको कंप्लीट किसने किया है? तो इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, शुरुआत का पूछा है हु कंप्लीटेड द कुतुब मीनार, ऐसा पूछा गया है तो उस हिसाब से उसको आंसर कीजिएगा। कुतुब कॉम्प्लेक्स में है वो, दिल्ली में है, मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने उसको देखा होगा। ठीक, फिर और चीज आती है औरंगजेब के समय, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बीजापुर में जो गोल गुंबद है, आ जाएगा गोल गुंबद कहाँ पे स्थित है? तो बीजापुर में स्थित है। और शाहजहां के, जी हाँ, बड़े बेटे थे दारा शिकोह, छोटे बेटे औरंगजेब, कोई पूछ रहे हो? दारा शिकोह वॉज द आर्ट लवर, है ना, वो बहुत आर्ट लवर थे, लेकिन क्योंकि बोलते हैं कि बहुत औरंगजेब ने मतलब एक बेमानी करके ही उनका जो सत्ता ले ली थी, और इसलिए फिर आर्ट के लिए तो लॉस ही हुआ था क्योंकि उसको जमा नहीं था आर्ट। लेकिन अगर दारा शिकोह वाज द एम्परर, वो अगर राजा रहते तो मतलब कला की शायद हिस्ट्री हम कुछ और पढ़ रहे होते, लेकिन उनको क्योंकि हटा दिया गया था इसलिए वो ऐसा हो नहीं पाया। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, पहाड़ी पे ही आते हैं कि जब औरंगजेब से प्रॉब्लमेटिक चीजें हो गई थी तो हाँ, तो फिर वो लोग जो यहाँ के आर्टिस्ट थे, मुगली आर्टिस्ट थे जो बहुत अच्छा काम करते थे, जो अपना अपनी दाना पानी इससे चलाते थे, तो वो लोग कहाँ? पहाड़ की तरफ चले गए और वहां पे संरक्षण प्राप्त हुआ पहाड़ी राजाओं द्वारा, और वहां पे जो पेंटिंग्स बनी। तो दो इम्पोर्टेंट, आपको तीन इम्पोर्टेंट अच्छे से याद रखो, पहाड़ी में, पहाड़ी की भी सब स्कूल है जैसे राजस्थान के होते, लेकिन हमको जो याद रखना है, हमको तीन याद रखना है, गुलेर, बसोली और कांगड़ा। गुलेर इसलिए क्योंकि वो स्टार्टिंग मानी जाती है, जो कांगड़ा है, कांगड़ा ही आगे डेवलप होगी तो उसी को गुलेर बोलते हैं, गुलेर के समय की। कांगड़ा जो है, कांगड़ा का स्पेशलिटी पूछ लेंगे, कांगड़ा को किसने संरक्षण दिया ये पूछ लेंगे, तो राजा संसार चंद, जैसे मैं आपको सावंत सिंह की बात कहती थी, वैसे ही आपके राजा संसार चंद जो है वो कांगड़ा में, उनने संरक्षण कांगड़ा को बहुत अच्छे से आगे पहुंचाया। बस पूछ लेंगे कि बहुत ब्यूटीफुल आईज, बहुत सुंदर, मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ, आप अगर देख लें जो भी कुछ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट हो तो प्लीज बता दीजिएगा, है ना। तो कांगड़ा को आपको ये देखने के बहुत ब्यूटीफुल आईज, आप पेंटिंग देखोगे समझ जाओगे, बहुत अच्छे से आंख बना रखी है, आंख नाक मुंह ये सारी चीजें, बहुत सुंदर स्त्री बना रखी है ना, स्त्रियों के आठ रूप बनाए गए हैं, तो ये सारी चीजें आपकी कांगड़ा में दिखेगी। लेकिन बसोली में खिलौने जैसे चित्र है, मतलब आंखें एकदम ऐसी बटन जैसी, बहुत अच्छे से ऐसी नहीं है, उसका जो एनाटॉमी है वो भी थोड़ा सा प्रोमिनेंट है, अपभ्रंश टाइप का, तो वो आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बसोली में लोक कला का इफेक्ट है, बिल्कुल पॉइंट माय वर्ड्स, कि आप बसोली में किस चीज का प्रभाव है, तो बसोली में दो चीज का प्रभाव है, एक लोक कला का प्रभाव है, दूसरा मुगल कला का प्रभाव। ठीक है, तो ये दो चीज आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, प्लस बसोली में कृपाल पाल, जैसे कि मैंने आपको संसार चंद की बात बताई, वो बसोली में कृपाल पाल। एक चश्म चेहरे के बारे में बता दीजिए, एक चश्म चेहरा बोले तो सिर्फ एक आंख दिखनी, ये हट गया, प्रोफाइल फेस, ये वाली फेस बनाते ना साइड, ये एक आंख होती है। सवा चश्म क्या हो जाता है? एक और
1/3 ही होता है ना, सवा, है ना। डेढ़ चश्म क्या हो जाता है, 1 1/2, है ना। तो जैसे हाफ साइड फेस जो होता है वो आपका एक चश्म चेहरा होता है, ठीक। आधा चश्म चेहरा कुछ नहीं होता, है ना। वो कभी आ जाएगा तो वो गलत है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक, सवा, डेढ़ और क्या, 1/2, इस तरह के चश्म चेहरे। तो चश्म फॉर आईज, चश्म का मतलब आईज होता है। अब आगे बढ़ते हैं, पहाड़ी में यही चीज। पहाड़ी में एमएस रंधावा का नाम याद रखिएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बुक्स लिखी है पहाड़ी के, उसमें है ना, कांगड़ा पेंटिंग्स ऑन लव और ये सब। तो थोड़ा सा उनका नाम याद रखिएगा। और WG, है ना, JC फ्रेंच का हिमालयन आर्ट है ये। आपको अगर आप छोटी बुक में देखेंगे ना, तो आपको 2-4 बुक्स याद आ जाएगी, तो आप वो जरूर नोट कर लेना कौन सी बुक्स किसने लिखी है। अब आगे बढ़ते हैं, पहाड़ी भी हो गया, राजस्थानी चित्रकला हो गई। राजस्थान हो गया, पहाड़ी हो गया। अब हम जाते हैं कि अब राजाओं से, हमारे यहाँ के राजाओं से तो हम बड़े परेशान थे, ठीक है, लेकिन हम तब हम इतने गुलाम नहीं थे जब हम असली गुलाम बने, जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आ गए थे, ठीक है। जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आ गए थे, तो ब्रिटिशर्स लेके अपने साथ क्या आए थे, वॉश, वॉश लेके आए थे। उससे पहले तक हमारे यहाँ सिर्फ सपाट कलर यूज में आता था, लेकिन उसके बाद वो वॉश का तकनीक लाए, उन्होंने अपनी तकनीकें हम पे थोपी। तो और ये, क्योंकि इसका मेन सेंटर पूछ सकते हैं कि पटना स्टाइल किसको कहते हैं, तो कंपनी स्टाइल एंड पटना स्टाइल बोथ आर इक्वल, क्योंकि पटना इनका मुख्य केंद्र था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वहां से ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी था, इसलिए वहां पे वो लोग रहते थे और वहां पे वो लोग आर्टिस्ट को हायर करते थे। हायर क्यों करते थे, क्योंकि वो यहाँ की लाइफस्टाइल अपने लोगों को बताना चाहते थे, और उस समय फोटोग्राफी नहीं थी, तो पेंटिंग वॉज द ओनली यूज। तो वो उसमें, वो लोग यहाँ की, अब यहाँ की जीवन में वो क्या बताएंगे, आप खुद बताइए। वो ये तो बताएंगे नहीं कि यहाँ पे हम देवी को पूजा कर रहे हैं, तो सिर्फ देवी को दिखा दिया तो उनका काम हो जाएगा। वो यहाँ की लाइफ स्टाइल बनाते थे, ये मैं इसलिए बता रही हूँ, आप याद कीजिए, इससे आपका एक अगला क्वेश्चन बन रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है कि पटना शैली के चित्रों का मुख्य विषय क्या था। तो मुख्य विषय उनका था आम जनजीवन। क्यों, क्योंकि वो लोग जो हमारे कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, वो लोग आम जनजीवन को अपने देश तक बताना चाहते थे, कैसे ये लोग फूल बेच रहे हैं रस्ते में, कैसे सब्जी बेच रहे हैं, कैसे वो लोग क्या कपड़े साफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है ना, जो उनके यहाँ नहीं होती थी, वो ये बताते हैं। वो एक मेथोलॉजिकल चीज उनको थोड़ी बताएंगे, उनको क्या मतलब है, जैसे वो तो एक कॉमन है, वो तो अगर वो लोग सोचेंगे यही कि यार जैसे हमारे जीजस क्राइस्ट की हम पूजा कर रहे हैं, वैसे ही है, इनके देव देवताओं के कर रहे हैं, तो वो कोई अलग नहीं है। अलग चीज जो उनको दिखी, क्या दिखी, हमारा जो आपसी मेला लग रहा है, हार्ट लग रहा है, ये चीजें जो है वो पेंटिंग्स हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, फिरका, फिरका वर्ड याद रखिएगा, फिरका छोटे छोटे पेंटिंग्स का वो रहता है, सेट बनाते थे वो। तो ये क्या होता है, ये भी पटना के समय हुआ है, अभी लास्ट किसी एग्जाम में आया है कि फिरका, शायद नेट वगैरह में ही आया था, मतलब किसी में भी आते हैं ये क्वेश्चन, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखना। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, 1 मिनट। भारत में जो आंदोलन हुआ था, समकालीन आंदोलन, हाँ, उस पे आ गए ना सीधे। अब हम लोग कब तक गुलाम रहते हैं, है ना। अब जो भी है, जैसे कि नॉर्मल इंडियन रिवॉल्यूशन हुआ था, आपको सबको पता है हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने किया था, वैसे हमारे आज के भी फ्रीडम फाइटर्स कम नहीं थे, और उनने भी इस चीज के लिए अपोज किया, और वो जो अपोज था वो था रेनाइसेंस ऑफ इंडियन पेंटिंग। तो क्वेश्चन आ जाएगा, रेनाइसेंस या पुनरुत्थान, भारतीय कला का पुनरुत्थान कब हुआ, तो वो बंगाल स्कूल से हुआ। किसने किया, तो अवनिंद्रनाथ टैगोर। आप रविन्द्रनाथ टैगोर जी को तो जानते हैं, लेकिन अवनिंद्रनाथ टैगोर जी को अगर आर्ट में नहीं जानेंगे, मतलब आपका वो चीज वेस्ट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो एक बहुत बड़े कलाकार है हमारे भारतीय उसको लेके। और अवनिंद्रनाथ टैगोर ने ईवी हैवल्स के साथ मिलके, ईवी हैवल वॉज द ब्रिटिशर, है ना, और उनके साथ मिलके उन्होंने भारतीय कला को पुनर्जीवित किया था, इसलिए उसको आप भारतीय कला का पुनर्जीवित कि वो बंगाल में हुई थी उसकी स्थापना, तो उसको आप बंगाल स्कूल, तो ये आपकी चीज हो गई। उसके बाद हम आ जाते हैं बस मेन आर्टिस्ट, आपका इंडियन आर्ट कंप्लीट हो, इससे बाहर आपका काम नहीं बन। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे डीप में आएंगे, तो थोड़ी आवाज में चेंज हो गई शायद, एक आवाज चेंज हो गई, मतलब कनेक्शन हो गया शायद उसका, मेरा है फोन
अब ऑडिबल है? हाँ हेलो, अभी भी शायद पहले जैसी आवाज आ रही ना, अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ हेलो है। हाँ आवाज तो आ रही है लेकिन शायद वो कनेक्ट नहीं हुआ है। हेलो, हाँ आवाज आ रही है, क्लियर नहीं है क्या? इतनी क्लियर नहीं आ रही, इतनी पहले आ रही थी, शायद तो कनेक्ट नहीं हुआ है अपना। हेलो, हाँ अब कनेक्ट हुआ है। कनेक्ट, डिस्कनेक्ट हो गया था शायद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा शायद डिस्चार्ज भी हो रहे हैं इसलिए शायद आवाज फटाफट कर लेती हूँ मैं आगे। ओके, कैरी ऑन। फिर हम कहाँ थे, भूल गई। नोबल प्राइज मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को, तरुण हाँ बताओ। हाँ 1913 में मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। लेकिन ये तो हम सबको पता होता है, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कितने लोग जानते हैं, हम वो वाली चीज पे बात कर लेते हैं। तो 1905 में फेमस भारत माता की पेंटिंग किसने बनाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। पासिंग ऑफ शाहजहां किसने बनाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। ठीक है, भारत माता की पेंटिंग बहुत ही अच्छी, कॉमन आपको पता है, सैफरन कलर की साड़ी में, ऐसी नहीं है जैसी हम फोटो देखते, सैफरन कलर की साड़ी में चार चीजें पकड़ी हुई भारत माता की बहुत सुंदर पेंटिंग अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई है। 1905 बंगाल विभाजन के टाइम पे इनने ये पेंटिंग दी थी। ठीक, मैं और ना इस बुक में कौन से आर्टिस्ट दिए हुए हैं उनको देख लेती हूँ, तो थोड़ा सा उसमें आपको पता पड़ जाएगा। तो आप अवनींद्रनाथ टैगोर के लिए नोट कर लीजिए, भारत में वॉश टेक्निक के प्रणेता हैं, वॉश टेक्निक के प्यूनर माने जाते हैं, फादर ऑफ वॉश पेंटिंग माने जाते हैं, बंगाल स्कूल को शुरुआत करने वाले अवनींद्रनाथ टैगोर माने जाते हैं। ठीक है, पुनर्जागरण काल के पितामह अवनींद्रनाथ टैगोर माने जाते हैं। ठीक है, फिर भारत माता पेंटिंग उनके द्वारा बनाई गई। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना गगनेंद्रनाथ टैगोर उनके बड़े भाई के साथ मिलके उनने किए, मतलब उनका भी आ सकता है। ठीक है, अब आप बेसिक कर रहे हैं तो बेसिक में गगनेंद्रनाथ टैगोर तो शायद ही पढ़ेंगे, इसलिए अवनींद्रनाथ टैगोर के नाम से याद रखिए। और मैं एक बार देख रामकिंकर लेती इन्हीं हूँ के स्टूडेंट उन, थे ना, जी रामकिंकर जो थे वो इन्हीं के वो स्टूडेंट थे ना, उधर रविंद्रनाथ अपन, जी। हाँ रामकिंकर बेज को हम आगे देखेंगे ये, क्योंकि यहीं पे पढ़े थे ये लोग, तो वहां पे इनसे ही इनने आगे शिक्षा ली थी। ठीक, फिर ये तो हो गए आपके नंदलाल बोस, ठीक है, सुप्रीमनाथ मजूमदार, जिन जिनका है मैं देख लेती हूँ इनमें। ठीक है, फिर इनके मुख्य मुख्य जो स्टूडेंट्स रहे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर के, तो आप उनके मुख्य स्टूडेंट नंदलाल बोस, अशित कुमार हल्दराज, सुप्रीमनाथ मजूमदार, ये सारे जो आर्टिस्ट ही थे, इनके स्टूडेंट थे, इनने इनसे शिक्षा ग्रहण करके, ठीक है, शांति निकेतन शिक्षा ग्रहण करके वहां से, और इनने फिर पूरे देश में फैले थे। ठीक है, जैसे नंदलाल बोस हैं वो शांति निकेतन में ही रह गए थे, असित कुमार हल्दार लखनऊ आ गए थे, ठीक, वैसे ही क्षितिनाथ मजूमदार है इलाहाबाद आ गए थे, ऐसे करके ये लोग पूरी जगह पे घूम गए थे, रामगोपाल विजयवर्गीय राजस्थान आ गए थे, है ना। तो ये इनके कुछ आर्टिस्ट थे। अब हम नंदलाल बोस के बारे में बात करते हैं, तो बिहार का जन्म है उनका, है ना, और इनका मुख्य पेंटिंग क्या है, तो नंदलाल बोस पे ये याद रखिएगा, इनके गुरु कौन है बता दिया आपको मैंने, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के मुख्य कलाकार माने जाते हैं। मुख्य कलाकार मतलब, क्योंकि भारत के संविधान के लिए इन्होंने पेंटिंग्स बनाई है इसलिए। ठीक है, तो किसने बनाई थी ये आप उनका याद रखिएगा। फिर इनको मास्टर मोशाई के नाम से, बाबू मोशाई के नाम से भी जाना जाता है, नंदलाल बोस की बात कर रहे हैं ना। शिव का विषपान इनका फेमस पेंटिंग है। टेम्परा में अगर कोई पेंटिंग आ जाए, जैसे सती है, सती किसने बनाई है? टेम्परा माध्यम से, तो आप थोड़ा सा उसका ध्यान रख लोगे कि नंदलाल बोस ने बनाई है। ठीक, फिर नंदलाल बोस ने क्षितिनाथ बनाई। मजूमदार, क्षितिनाथ मजूमदार के बारे में, ये भी इन्हीं के स्टूडेंट है, वॉटर कलर में काम किया है इन्होंने, बुद्ध से रिलेटेड, बुद्ध के जन्म से उस जीवन के रिलेटेड बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई क्षितिनाथ मजूमदार ने। आर्टिस्ट के लिए मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगी, कुछ नहीं लगना है अगर एग्जाम देने वाले हो, 5 से 10 मिनट लगेगा, मेरा ही जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसपे आपको स्टोरी हाइलाइट्स मिलेंगे आर्टिस्ट के नाम से, आर्टिस्ट 1 2 3 4, उसमें आर्टिस्ट के सभी पोस्टर्स हैं। एक्चुअली ऐसा ट्रेंड है मेरे लिए कि जैसे कोई डेट आता है
उसमें अगर किसी का बर्थडे है या डेथ एनिवर्सरी है तो हम पोस्टर बना के और दे देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा ये लर्निंग स्ट्रेटेजी सही रहती है, हमको रटना नहीं पड़ता, हमको देख के याद होता है। तो आप लोग प्लीज आर्टिस्ट के लिए, अगर क्योंकि बहुत 300-400 आर्टिस्ट है, कहाँ पढ़ोगे इतने सारे, लेकिन वो उसमें मुख्य आपको मिल जाएगा, मेन मेन पॉइंट। सिर्फ 10 मिनट लगने, एक स्टोरी हाईलाइट देखने में कितना टाइम लगता है, आप लोग वो देखो, या यूट्यूब पे चैनल है, यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे सब जगह, जहां भी टेलीग्राम पे हो तो वहां देख लो, लेकिन बहुत यूजफुल है वो चीज आपके लिए। ठीक, फिर हम आते हैं रामगोपाल विजयवर्गीय। आप जैसे राजस्थान के होते तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता, लेकिन अगर हम दिल्ली कॉलेज से बनाए तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो जाते हैं ना, लेकिन फिर भी मेघदूत बनाया उनका, है ना, ऑयल ऑन कैनवास, सॉरी वाटर कलर पे बनाया। अब आते हैं आगे राजा रवि वर्मा, उनको बहुत अच्छे से याद रखो कि भारत में ऑयल पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग का शुरुआत किसने किया था, तो राजा रवि वर्मा ने किया था। भारत में ऑयल ओलियोग्राफ की स्टार्टिंग किसने की थी, राजा रवि वर्मा ने किया था। फादर ऑफ इंडियन पेंटिंग माने जाते हैं। फिर उनकी कुछ पेंटिंग्स याद रख लो, महाराष्ट्रियन वुमेन फेमस है, लेडी ऑन मूनलाइट फेमस है, महाभारत से रिलेटेड जितनी स्कीम आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे वो द्रौपदी, वो सरिंद्री और चीचक, इस तरह का पेंटिंग, मतलब महाभारत से रिलेटेड मैथोलॉजिकल पेंटिंग्स मोस्टली किया है। प्रिंटिंग प्रेस लेके आए थे बॉम्बे में, हाँ बिल्कुल, तो ये पेंटिंग्स उनने बनाई है। ठीक है, फिर गगनेंद्रनाथ टैगोर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि वो अवनींद्रनाथ टैगोर के बड़े ब्रदर थे। ठीक है, एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, वाटर कलर यूज किया, वाटर कलर यूज किया थे, एंड देन क्यूबिज्म, घनवाद, जो अभी अपन पिकासो पे डिस्कस करेंगे, क्यूबिज्म एक आर्ट मूवमेंट है, एक आर्ट स्टाइल है, तो वो उसका शुरुआत भारत में किसने किया था, तो ये क्यूबिज्म का स्टार्ट गगनेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, उस तरह का पेंटिंग्स उनने बनाया था। जैसे देखो ये इस तरह का ही, देखो बुक में भी दिखेगा आपको, क्यूबिज्म क्या है, क्यूबिज्म को आप क्या है, किसी भी रूप को, किसी भी फॉर्म को अगर आप रिजोल्व कर दोगे, आप उसको बिल्कुल तोड़ दोगे, तो ये क्यूबिज्म है। मान लीजिए एक क्यूब दिखा है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट में आप देखते ना, एक क्यूब है, अब कोई तो बोलेगा कि यार ये तो लंबी खड़ी चीज है, लेकिन कोई देखने वाला जानकार होगा वो बोलेगा ये क्यूब बना रखा है, उसको उन्हें डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बना के उसको सॉल्व कर दिया, उसके फॉर्म को ही पूरा तोड़ दिया, उसी को पूरा सा पूरी उस पे ही कर दिया, तो वो चीज जो होती है वो क्यूबिज्म होती है। तो गगनेंद्रनाथ की पेंटिंग में आपको ये चीजें दिखेगी, कैरिकेचर्स भी बनाए गगनेंद्रनाथ टैगोर ने, ये दिख तो रहा है वैसे, थोड़ा बहुत देख लीजिए, दिख रहा हो तो ढंग से, नहीं तो मैं आपको ना इसी में गगनेंद्रनाथ टैगोर मिलेंगे मेरी स्टोरी हाईलाइट में, उनमें उनकी पेंटिंग्स है बड़े इजीली उसपे, एक तरह से आप लोग जिसको इन जनरली एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, जो हम लोग वो एलिमेंट्री इंटरमीडिएट में नहीं, एब्स्ट्रैक्ट एक एक फिश को बनाना, उसको चार पांच चीजों में तोड़ के अलग अलग कलर्स में करते हैं, तो ये वही है, उन चीजों को फॉर्म को रिजोल्व कर देना, तो क्वेश्चन आ जाएगा, ये भी आ सकता है कि फॉर्म को रिजोल्व करना किस आर्ट मूवमेंट का टाइम है, क्योंकि आपको वेस्टर्न भी आजकल पूछते हैं, तो आप क्यूबिज्म उसमें दे सकते हो। ठीक है, फिर जामिनी रॉय द वेरी इंपॉर्टेंट, काय से इंस्पायर्ड थे, ठीक है, ये भी सब है बंगाल से ही, लेकिन ये काय से ना तो बंगाल की फोक आर्ट से इंस्पायर्ड थे जामिनी रॉय। ठीक है, अमृता शेरगिल फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पेंटर कहा जाता है, 28 इयर्स की एज में डेथ हो गई थी, पेरिस से, मतलब उनका जन्म तो हंगरी से था, लेकिन वो भारत में आके उनने शिक्षा ग्रहण की, सॉरी शिक्षा तो पेरिस से लिए, भारत में आके उनने काम किया, अपना स्टूडियो शिमला में दिखाया, यहाँ मैरिज हुई, है ना, तो इस तरह का उन्हें तो बहुत एक तरह से क्रांति लाई थी, वो भी इतने कम एज में इतना काम करना, आप खुद जानते हैं कितना मुश्किल होता है। ठीक है, ब्रह्मचारी है, अभी ये तो हो गया थ्री सिस्टर्स, अब आते हैं एमएफ हुसैन पे। एमएफ हुसैन देखिए, ये बस ये ऐसे हैं, दो चार ही बचे, एक दो रामकिंग, अपन डीपी राय चौधरी और रामकिंकर, ये ऐसे हैं जो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी एग्जाम दो, एक नेशनल लेवल पे आर्टिस्ट फेमस होते जाते हैं। ठीक है, तो एमएफ हुसैन को आप जानते हो, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि भाई अपने इनिशियल स्टेज में उन्होंने फिल्म मेकिंग का काम किया, फिल्म मेकिंग नहीं सॉरी फिल्म के पोस्टर्स बनाने का काम किया, और ये फिल्म मेकिंग तो जब वो हो गए जब, लेकिन ऐसे ही कुछ छोटे छोटे उस पर बेचने का काम किया, लकड़ी के खिलौने बनाते थे, मतलब बहुत गरीबी का कार्य किया एम एफ हुसैन ने। ठीक है, तो ये आ जाएगा, प्लस आपको पता है इनका जन्म तो महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन एक साल मध्य प्रदेश के इंदौर कॉलेज में उनने
देवललिकर जी से शिक्षा ली, हम मध्य प्रदेश वाले तो जानते होंगे लेकिन हर कोई नहीं जानता उस चीज को, तो ये ध्यान रखिए। घोड़े से बहुत ज्यादा प्रभावित थे इसलिए घोड़े की सीरीज आपने देखी होगी एम एफ हुसैन की, और 2010 में उन्हें कतर की, उनको नागरिकता मिल गई थी 2010 में एम एफ हुसैन को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत विवाद हो गया था कुछ पेंटिंग्स को लेके, कुछ मैथोलॉजिकल पेंटिंग्स को उन्हें इस तरह से प्रेजेंट कर दिया था जो कि यहाँ पे मतलब उनके लिए रहना मुश्किल हो गया था वो उस चीज में। तो वो आप कभी कुछ ऐसा आ जाए कौन सा आर्टिस्ट है, मदर टेरेसा की बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है उनने, ठीक है, ये हो गया। फिर हम देख लेते हैं रामकिंकर बेच, फर्स्ट मॉडर्न मूर्तिकार माने जाते हैं, ठीक है, उनकी संथाल फैमिली बहुत फेमस है, आप सीमेंट कंक्रीट की बनी गई है, ठीक है, शांति निकेतन में है। श्रम की विजय, श्रम की विजय की एक कॉपी शायद एनजीएमए में भी है, दिल्ली में है, डीपी राय चौधरी ने बनाई है, ब्रॉन्ज से बनी है। भी आ जाता है एमएफ हुसैन को लेके कि मतलब वो इंडिया का पिकासो भी बोलते हैं उनको, बिल्कुल बिल्कुल पिकासो ऑफ इंडिया बोलते हैं। और थोड़ा सा कंट्रोवर्सी जिसमें ये होती है कि दो जनों को बोला जाता है, अगर कभी एम एफ हुसैन नहीं आए और जामिनी रॉय आ जाए तो वो भी भारत की कला का पैगंबर भी माने जाते हैं और पिकासो भी माने जाते हैं, ठीक है। प्लेटो हो गया, मैंने तरुण का क्वेश्चन है कि प्लेटो आता, प्लेटो अब उसमें कुछ एस्थेटिक्स और वो दे रखा है क्या आपके सिलेबस में, कला सौंदर्य एस्थेटिक्स ऐसा कुछ है क्या? अगर आए भी तो यही आएगा कि कला सत्य की अनुकृति है, किसने बताया, प्लेटो ने बताया, ठीक है, आए भी तो इससे ज्यादा और क्या आएगा, उससे डीप में नहीं आएगा, उनने यूजफुल आर्ट को इमिटेशन आर्ट से ज्यादा बताया है, आएगा भी तो ये आएगा बस, है ना। प्लेटो के गुरु पूछ लेंगे तो सोक्रेट्स प्लेटो के गुरु थे, प्लेटो के शिष्य पूछ लेंगे तो अरिस्टोल अरस्तु जिसको कहते हो प्लेटो के शिष्य थे, ठीक। तो इंडियन आर्ट को अपन यहीं पे थोड़ा सा देख वो करके, और बहुत एक चीज और, क्योंकि अगर आप दिल्ली के उससे कर रहे हैं रैली के एल्युमनाय को बहुत अच्छे से याद रखें, जैसे कि अरमरनाथ सहगल, धनराज भगत, आपको नहीं पता बट दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से पढ़े हुए हैं और वहाँ के शिक्षक भी रहे। धनराज भगत कौन है, स्टोन स्कल्पचर है, किस तरह से उन्हें अलग अलग मीडियम में मूर्ति बनाई है, क्वेश्चन इतना ही पूछ लेंगे कि धनराज भगत है कौन, ये भी पता होना चाहिए कि मूर्तिकार है, पेंटर है, प्रिंट मेकर है, कौन, अमरनाथ सहगल है, ये सब जो कलाकार है ये बंगाल सॉरी जो भारत पाकिस्तान विभाजन के समय भारत में आए थे और फिर उसके बाद यहाँ से शिक्षा ली, मतलब क्योंकि लाहौर कॉलेज से भी पढ़े गए हैं लोग, ठीक है, लाहौर कॉलेज से पढ़ा है और फिर यहाँ पे आए, तो उन्होंने त्रासदी देखी है, वो चीज उनके वर्क में दिखती है। अमरनाथ सहगल ने जो एंग्विश क्राइस्ट बनाई है, अनसुनी चीखे बनाई है, ये सब मतलब विलाप करती हुई पेंटिंग्स बनाई है, ओ सॉरी मूर्तियां बनाई है, तो ये सब जो है ये सब वही चीज शो कर रही है कि आपकी विभाजन शो कर रहा है, तो ये क्वेश्चन को लिंक करके भी दे सकते हैं। दूसरी चीज भावेश चंद्र सान्याल अगर दिल्ली के हैं तो उनको याद रखना बहुत जरूरी है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ आर्ट, मतलब भारत के, क्यों, क्योंकि 103 वर्ष जिए और बहुत बड़े बुजुर्ग व्यक्ति और बहुत काम किया उन्होंने, है ना, मूर्तिकार रहे हैं, पेंटर रहे हैं, है ना, ये सारा काम किया है, 103 वर्ष की आयु में डेथ हुई है। गढ़ी वर्कशॉप शायद होती है दिल्ली में, आप लोग को पता हो तो उसकी स्थापना भी भावेश चंद्र सान्याल द्वारा ही की गई थी, गढ़ी पर, तो गढ़ी परिषद कहाँ है, हमारे नेशनल लेवल एग्जाम में भी आता है, तो वो दिल्ली में है, ऐसा है, तो वो आपको थोड़ा सा दिल्ली बेस्ड चीजों को याद रखिए। कवल कृष्ण है, देवयानी कृष्ण है, यहाँ के एल्युमनाय है, पढ़े हुए हैं, पढ़ के निकले हैं दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से, ठीक है, प्रिंट मेकर है दिल्ली के बेस पे, जैसे कि पैग आपको याद होगा, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बॉम्बे का, जो कि ये एम एफ हुसैन, रजा सुजा, ये तो पता है, लेकिन दिल्ली शिल्प चक्र कितों को पता है वो देखिए, क्योंकि दिल्ली से है हम, है ना, तो भावेश चंद्र सान्याल ने बनाया था, प्राणनाथ मैगो, धनराज भगत, ये सारे उसके ग्रुप मेंबर्स थे, ठीक, तो ये आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखें, 1948 दिल्ली शिल्प चक्र, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते, नेक्स्ट, अब इंडियन आर्ट को इट्स कंप्लीट, बेसिक कंप्लीट है, अब वेस्टर्न आर्ट पे देख लेते हैं, ठीक है, फोक आर्ट देखते हैं, तो फोक आर्ट में आपको ज्यादा से ज्यादा यही चीजें हैं, मधुबनी कहाँ की है, बिहार की है, ठीक है, कलमकारी आंध्र प्रदेश की है, वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की है, और गोंड पेंटिंग्स मध्य प्रदेश की है, मांडना राजस्थान मध्य प्रदेश की है, चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश की है ना, अल्पना है, ये भी किसकी, आसाम, ओडिशा,
यहाँ की है ऐसा। तो ये चीजें कुछ 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 लोक में यही आती है। आप मैं अभी चित्रकला की ही बात कर रही हूँ, चाहो तो दो तीन बेसिक जैसे बिहू डांस कहाँ का है, असम का है, तो ये थोड़ा सा लोक हो सकता है कि आपसे कुछ ये पेंटिंग चित्रकथी अभी बहुत इंपॉर्टेंट चल रही, नेट में भी आया था, कहाँ की है तो महाराष्ट्र की है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि चित्रकथी पे अभी पद्मश्री अनाउंस हुआ है आर्टिस्ट को, इसलिए चित्रकथी इम्पोर्टेंट हो जाती है। गौंड पेंटिंग है, पिथोरा है गुजरात मध्य प्रदेश इनकी, तो ये थोड़ा सा ये बस कि कौन सी आर्ट वर्क कहाँ की है इतना भी याद रखेंगे तो भी बहुत हो जाता है। मोलेला टेराकोटा राजस्थान का है ना, टेराकोटा पे जाएंगे तो ऐसा तो। और क्या ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं फोक आर्ट पे जैसे बोल सकते? स्टिक फिगर किसमें बनते हैं, वर्ली आर्ट में बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, हाँ तो हाँ उससे बिल्कुल, रिलेटेड हो अगर हम सकता है वही वो। बोल रहे हैं कि हम लोग अगर इनको थोड़ा भी ऑब्जर्व किया होगा तो ये चीजें परेशानी नहीं देती है। ठीक है, अल्पना देखा होगा आपने कि ब्राउन पे व्हाइट बनता है, मानना देखा होगा कि व्हाइट कलर से बनता है तो इजी ज्योमेट्रिकल शेप से बनते हैं, तो ये चीजें इजी आएगी, क्वेश्चन दे देंगे तो आप उसको समझ जाओगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर उसको हमने देख रखा भी होगा ना तो हम आसानी से कर सकते हैं तो ही उसको। ठीक है, दूसरा जो करंट आर्टिस्ट है जतन जतिन दास जी हो गए, और हाँ अमित अभी कपूर हो गए, इनके बारे में भी पूछते हैं, अनीश कपूर हो गए। ठीक है। अनीश कपूर ब्रिटिश बेस्ड आर्टिस्ट है वो, और जैसे कि क्लाउड गेट आ जाएगा, स्काई मिरर आ जाएगा, इस तरह का स्टील का उन्हें ज्यादा बनाया है। ठीक है, जतिन दास के बारे में बात करें तो जतिन दास अभी एक्सपायर हुए शायद 2020-21 में, अच्छा जतिन दास हरेंद्र। हाँ अभी मैं मैं पढ़ी जतिन थी। दास जी की बात कर रहा हूँ। अरे 1 मिनट, द प्रिंट मेकर ना? जो पेंटिंग वगैरह बनाते हैं ना जतिन दास, और प्रिंट मेकर भी है? नहीं प्रिंट मेकिंग का नहीं पता मुझे, अच्छा पेंटिंग्स जतिन बनाते दास, हैं वो ओके जतिन ओके, दास। हाँ, ठीक है। तो हाँ द फेमस पेंटिंग्स उन्होंने बनाई है, दिल्ली बेस्ड आर्टिस्ट। तो आप लोग जो चीजें हम बोल रहे हैं कि अगर आप प्रेजेंट के वे में भी जाएंगे तो ये थोड़े से इन आर्टिस्ट के बारे में कि कौन कहाँ से एसोसिएट है इतना भी रहेंगे ना तो बात बन जाएगी, इतना कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आगे थोड़ा सा ठीक है, आगे वेस्टर्न ले लेते हैं थोड़ा सा क्योंकि 4 बज गई है। हाँ 4 बजे तो वेस्टर्न ले लेते हैं। वेस्टर्न में भी आप मेरे हिसाब से आप स्टार्टिंग हिस्ट्री नहीं जाके और सिर्फ जब आर्ट मूवमेंट से ही ले लेंगे ना तो बहुत हो जाएगा। रियलिज्म आर्ट, इम्प्रेशनिज्म किसने चालू किया, इम्प्रेशनिज्म क्या है, अभी एक क्वेश्चन देखा था न्यू इम्प्रेशनिज्म के फादर पूछ लिए गए थे, जॉर्ज सूराट जिसको कहते हैं, तो वो है इम्प्रेशनिज्म प्रभाववाद कहाँ आया, कैसे प्रकाश पे बात की उनने कि प्रकाश थियरी क्या होती है, प्रभाववाद के जनक पूछ लेंगे तो क्लाउड मोनेट एडवर्ड मोनेट ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम आगे क्यूबिज्म की बात कर रहे थे, क्यों? क्योंकि पिकासो है ना, तो पिकासो ने क्यूबिज्म के फादर तो पॉल सीजान को माना जाता है क्योंकि उन्होंने पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में इसको शुरुआत कर दी थी, लेकिन पिकासो और ब्राक ने क्यूबिज्म पे काम किया जो अभी मैंने आपको क्यूबिज्म घनवाद जिसको कहते हैं, घन आप समझ रहे हैं उसको, क्यूब को तोड़ दिया, ये इस तरह का नाम है। तो एब्स्ट्रेक्टिज्म शुरुआत यहाँ से हुई थी, अमूर्तता यहाँ से शुरुआत हुई थी, इसलिए आपको घनवाद इम्पॉर्टेंट है। पिकासो का ब्लू पीरियड पिंक पीरियड याद रखिए, ब्लू पीरियड 1901 से 4 के बीच में, 5 से 8 7 के बीच में, पिंक पीरियड मतलब इस समय ब्लू ब्लू में पेंटिंग की थी फिर पिंक पिंक में पेंटिंग की थी, इस तरह का काम उनने किया है। अब ब्राक भी यही क्यूबिस्ट आर्टिस्ट ही थे, फिर इम्प्रेशनिज्म हो गया, फोविस्ट आर्टिस्ट देख लो आप तो पिकासो की फोविस्ट में पेंटिंग आप, पूछ सकता है कुछ है? जैसे हाँ कि एक पेंटिंग कौन सी बिल्कुल पूछ पेंटिंग सकते हैं, को, बिल्कुल दो तीन पेंटिंग ग्वेरनिका इज द ऐसी। वेरी इंपॉर्टेंट हाँ पेंटिंग, ग्वर्निका, ग्वेरनिका बहुत इंपॉर्टेंट, ये इनने अपने मेटामोर्फिक फेस पे बनाया था मतलब एंडिंग के फेस पे, और क्वेश्चन ये आएगा कि आपको सबसे पहली चीज तो उसमें कलर स्कीम पूछ लेंगे तो ग्रे डल कलर स्कीम का ग्वेरनिका पेंटिंग है, टॉपिक पूछ लेंगे तो टॉपिक क्या था, जब स्पेनिश सिविल वॉर हुआ था उससे वॉर चल बहुत रही थी जब। त्रस्त उस चीज को बताने के लिए ग्वेरनिका पेंट किया गया है। अब आपको उसमें जैसे घोड़ा है ना, तो एक आम जीवन, आम जो क्या बोलते हैं इसको अपन, आम जनता है उनके दुख को शो किया है उसने, एकदम
त्रस्त लोग, बिल्कुल परेशान लोगों की चीखें शो करिए आपको, वो पूरा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में अमूर्त है, लेकिन हमें उसको चीजों को समझना पड़ेगा। तो ये पेंटिंग इम्पोर्टेंट है, ग्वर्निका, ग्वर्निका इम्पोर्टेंट है, लास एविलियस जो तीन एविग्नियन जो तीन महिलाएं हैं पिंक पीरियड के, उसकी वो पेंटिंग इम्पोर्टेंट, द ओल्ड गिटारिस्ट, द अर्लीस्ट पेंटिंग पिकासो की कुछ कुछ, द ओल्ड गिटारिस्ट ब्लू पीरियड की जो है वो पेंटिंग इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। लंचमैन ऑन द ग्रॉस क्लाउड एडवर्ड मानेट का इम्पोर्टेंट है, इम्प्रेशनिज्म पे आए तो अपन, ठीक है। और जो जो देख लेते हैं क्लाउड मॉनेट का, द इम्प्रेशनिज्म पेंटिंग ही, जो इम्प्रेशनिज्म है वो पेंटिंग ही, इम्प्रेशनिज्म नाम कैसे पड़ा, तो वो क्लाउड मॉनेट की पेंटिंग द इम्प्रेशन पे पड़ा। तो द इम्प्रेशन पेंटिंग पूछ सकते हैं, सनराइज इम्प्रेशन पूछ सकते हैं, किसने बनाया है, तो वो क्लाउड मॉनेट ने बनाया है, ठीक है। फिर आगे श्योरलिज्म पे बात करें तो ड्रीम की बात की, ड्रीम की थीम की जो बात की है वो श्योरलिज्म, सेल्वेडर डाली बहुत इंपॉर्टेंट पेंटर है, उन्होंने जो मतलब एक जो हमारा जो स्वप्न है, स्वप्न को उनने जो पेंटिंग्स में शो किया है वो एक इंपॉर्टेंट चीज श्योरलिज्म की हो जाती है, श्योरलिज्म की एक थीम बेस्ड इस पे रहती है, ठीक है। न्यू इम्प्रेशनिज्म भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो न्यू इम्प्रेशनिज्म मतलब पॉइंटलिज्म, पॉइंट पॉइंट से अगर काम करोगे, एनएस बेंद्रे की पेंटिंग्स आपने देखी हो तो आप समझोगे, उस पर जॉर्ज सूरेट और पॉल सिग्नैक ये दो आर्टिस्ट ने काम किया है, ठीक। इससे ज्यादा अपन लियोनार्डो द विंसी, सॉरी मैं आर्ट मूवमेंट्स पे आ गई, इससे पहले हम रेनेसेंस पे जाना चाहिए था हमको, कि जब विंसी, माइकल एंजेलो, रफेल, तीन मुख्य कलाकार ऑफ हाई रेनेसेंस उच्च पुनरुत्थान काल के, कौन कौन से, विंसी, माइकल एंजेलो और रफेल, ये जो तीन थे वो आपके मुख्य कलाकार माने जाते हैं रेनेसेंस के। लियोनार्डो द विंसी का क्वेश्चन एक बहुत अच्छा आता है कि कौन रेनेसेंस का वो आर्टिस्ट था जो पॉलीमैथ था, मतलब सिर्फ पेंटर नहीं था, वो एस्ट्रोनॉमर भी था, वो साइंटिस्ट भी था, तो ये लियोनार्डो द विंसी थे, आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड आर्ट डे किसके बर्थडे पे बनता है, तो विंसी के बर्थडे पे पता है बनता है, ये आपको पता होना चाहिए, 15 अप्रैल को उनका बर्थडे आता है, ठीक। वैसे ही कुछ कुछ पेंटिंग्स, मोनालिसा, क्वेश्चन आ रहा है मिनिएचर पेंटिंग क्या, मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर छोटी बनती है और उसमें काम भी छोटा होता है, जैसे कि आप राजस्थान मिनिएचर्स, पहाड़ी मिनिएचर्स, मुगल मिनिएचर्स देखेंगे कि ठीक है साइज तो छोटी होती है लेकिन उसमें काम भी बड़ा छोटा 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 एकदम बारीक काम जो होता है उसको मिनिएचर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है वेस्टर्न की पर्सपेक्टिव पे यही चीजें बनती है, थोड़ी से आर्ट मूवमेंट्स देख लीजिए और रेनेसेंस देख लीजिए, बाकी वेस्टर्न की हिस्ट्री जो ग्रीक रोमन इन पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। हिस्टोरिक देख सकते हो, डेविड का स्कल्पचर बनाया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, डेविड का स्कल्पचर किसने बनाया, माइकल एंजेलो ने बनाया, हाँ माइकल एंजेलो द्वारा, डेविड पिएटा, ये यही आएगा और कुछ, डेविड पिएटा, ये सब माइकल एंजेलो। सिस्टाइन चैपल का पेंटिंग किसने किया है, माइकल एंजेलो। लास्ट जजमेंट का पेंटिंग किसने किया है, माइकल एंजेलो, ठीक है। लेडी वो क्या है, मैडोना ऑफ द रॉक्स, लियोनार्डो द विंसी, ये बहुत बेसिक पेंटिंग्स है ना। और ये आपका, अरे यार अभी आया था, कोरोनेशन ऑफ द वर्जिन बोटिसिली का है, अर्ली रेनेसेंस का पेंटिंग है। ट्रिब्यूट मनी मासाचियो का है, अर्ली रेनेसेंस का पेंटिंग है, ठीक है। तो ये सब आते रहता है और भी, अब जैसे याद एकदम नहीं आती इतनी पेंटिंग्स है, लेकिन हाँ सिंपल जो बेसिक पेंटिंग्स है उनको थोड़ा सा देख लेना चाहिए, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्या लेना है, पिकासो हो गया, डार्क हो गए, डाली हो गए, और वैंगो रह गया, वैंगो के बारे में पूछेगा, सनफ्लावर, वैंगो रह गया, ठीक है। पोस्ट इंप्रेशनिस्ट आर्टिस्ट है, हाँ हाँ, मोस्ट इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट है वैन गॉग की पेंटिंग, अभी स्टेरी नाइट तो सबने देख लिया, ऑलमोस्ट सबने देख लिया, इतना फेमस हो गया है वो अभी जो दो चार सुसाइड केसेस को लेके, बट वैन गॉग है और आपकी विंसेंट वैन गॉग फुल नेम है उनको, कौन से हुए हैं उसके उसके बारे में थोड़ा बताना, सुसाइड केसेस कौन से हुए विन्नी, अभी उस पे भी कुछ क्वेश्चन नहीं, ये जो अभी सोशल मीडिया जो किस, नहीं नहीं आर्टिस्ट के नहीं बोल रही हूँ, जैसे इन जनरली जो ये फिल्म एक्टर है एक्ट्रेस है सुशांत सिंह राजपूत ही है, तो उनके उसमें बहुत फेमस हो गया था ना विंसेंट वॉन गॉग का स्टेरी नाइट, अच्छा, इसलिए बोल रही हूँ कि वो सब लोग जाग गए आजकल, वॉन गॉग की पेंटिंग हर कहीं सोशल मीडिया पे भी बहुत उछल गया है, मतलब इसलिए, ठीक है। तो पोस्ट इंप्रेशनिस्ट का मतलब ही यही था, आ जाएगा, पोस्ट इंप्रेशनिज्म की थीम ही यही थी कि ये जो कलाकार थे ये अपनी मृत्यु के बाद फेमस हुए थे, ठीक
ठीक है, ये जब तक जी रहे थे तब तक ये फेमस नहीं थे, नॉट अ फेमस आर्टिस्ट. ये बहुत परेशान थे अपनी लाइफ में, बहुत कम एज में ही डेथ हो गई है, और इसलिए उनकी पेंटिंग्स फिर आगे इतनी हाइट पे हुई. तो विंसेंट वॉन गॉग, पॉल सीजान और अपने ये मेरे यार कौन है वो, वॉन गॉग, पॉल सीजान, बता रही हूँ याद आएगा फिर से. तो विंसेंट वॉन गॉग, ये सब पोस्ट इंप्रेशनिस्ट के थे. तो विंसेंट वॉन गॉग की आपको पोटैटो ईटर्स याद रखू, कैफे नाइट याद रखू, और आपका ये स्टेरी नाइट याद रखू. वैसे ही पॉल सीजान भी सेल्फ थोड़े से ऐसे पोर्ट्रेट है इंप्रेशनिस्ट एक, पे. उनकी सेल्फ हाँ, पोर्ट्रेट सेल्फ है पोर्ट्रेट पेंटिंग ऐसे की, बहुत लाइक है सनफ्लावर. ये. अभी सनफ्लावर में भी अटैक हुआ था, उससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ पूछ सकता है, करंट अफेयर भी पूछ सकता है वो. हाँ, कि ये किसके द्वारा बनाई गई है, ऐसे पेंटिंग्स बहुत है. अब जैसे हाँ विंसेंट वैन गॉग की बात की, कि कान काट लिया था अपना, अपना कान काट लिया था अपने बिलव्ड को गिफ्ट करने के लिए. उनने कहा, मतलब वो इस तरह का है, तो कौन व्यक्ति है जो आलिस में रहता था और अपना इनने कान काट लिया था उस चीज में. तो वो आप लोग थोड़ा सा हाँ उस पर कान काट ध्यान दे, लिया था. और है ना. और इन्हीं से फिर आगे एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट का जन्म हुआ था. क्वेश्चन आ जाएगा, हु द फादर ऑफ एक्सप्रेशनिज्म, तो ये आपके विंसेंट वॉन गॉग है. ठीक है, फिर ये पॉल सीजान, द फादर ऑफ क्यूबिज्म, आपको बताया मैंने. ठीक है, फिर ये बस ये मेरे हिसाब से इतना इंप्रेशनिस्ट के ठीक है. फादर क्लाउड कौन से हुए, मोनेट, मोनेट का नाम मोनेट, उसका. हाँ क्लाउड मोनेट, क्लाउड क्लाउड मोनेट मोनेट. जो पहले डिस्कस हो चुका है ना. और ये आपका फादर ऑफ श्योरलिज्म, सेल्वेडर डाली, है ना. और फोविज्म देख लो, फाओवादी बच्चे हैं तो फोविज्म देख लो, उसका वीडियो भी है वैसे. हेनरी मटाइस, मतलब फाओवादी कलाकार, उनको जंगली फाओवादी का नाम पूछने के सर, मतलब क्या है, द वाइल्ड बीस्ट. फोविज्म का मतलब होता है द वाइल्ड बीस्ट, मतलब ऐसे जंगलियों जैसा. का जब उनने सबसे पहले, ये गुस्टाफ मेरू के शिष्य हुआ करते थे सारे जो आर्टिस्ट हैं फोविस्ट, और इन्हें जब एग्जीबिशन लगाया था तो उनको देखने का जो स्टाइल, मतलब जो एक्सप्रेशन था लोगों का, वो था कि कैसे जंगलियों जैसा कार्य किया, इसलिए उनने अपना नाम ही फोविस्ट रख लिया था. ठीक है, और बस. और इस पे तो अब और कुछ लग नहीं रहा, आपको लग रहा है तो आप याद दिला दे. अच्छा ये तरुण पूछ रहा है, जैन स्टाइल आता है क्या, क्या जैन स्टाइल के बारे में आएगा, जैन जेन के स्टाइल. बारे में बता क्या आपको? जेन मैन्युस्क्रिप्ट थे, गुजरात से स्टार्ट हुआ था, जेन स्टाइल फॉर ऑल. अब ब्रंच को भी आप, मतलब कोई जेन है, गुजरात शैली है, और इसको वेस्टर्न स्टाइल भी बोलते हैं क्योंकि वेस्ट के जगह पे हुआ था. उनकी मैन्युस्क्रिप्ट पूछ लेंगे कि कल्प सूत्र क्या है, जैन ग्रंथ है. आपकी कालकाचार्य कथा क्या है, जैन ग्रंथ है ना. बाल गोपाल स्तुति का चित्रण कब हुआ, तो अपभ्रंश शैली में हुआ है ना. तो वो चीजें हैं बस, बाकी तो यही आता है जैन में. इससे ज्यादा क्या, जैन पेंटिंग सबसे पुरानी कहाँ पे मिली है, तो आपको बताया सीतन वसल में उसका पुराना मिला. सीतन वसल का मतलब ही यही कि जो जैन के जो आपके फॉलोवर्स है ना, उनका स्थान उस तरह से, वहां पे वो सीतन वसल है. अब थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं, जो पुराने क्वेश्चन पेपर थे आपके पास. अच्छा, मैं देखती हूँ. ठीक है, तो ये आपकी आज की ठीक थ्योरी है, की जो क्लास थी वो चलती थी, और इसमें अब हम क्वेश्चन पेपर वगैरह डिस्कस करेंगे, ताकि थोड़ा हाँ, बहुत देख लेते हैं नॉलेज ना भी अपन ने थोड़ा जिस खत्म तरह से कर. पढ़ा है, इसमें कैसा पेपर आ रहा है कि नहीं. ठीक हाँ वो है, एक क्वेश्चन है इसमें मेरे सामने कि ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स किससे कहा जाता है. ठीक है, ये वैसे ये पूरा जो है अपन ने, मैंने ये वीडियो दे रखा है. ठीक है, कौन है जिसने भीम बेटका की इन्वेंशन, वो एक्सकवेशन किया है, आपको बताया अभी. फिर न्यू इम्प्रेशनिज्म को किसने दिया, अभी ये भी बताया मैंने. फिर आते हैं गंधार कला पे किसका इन्फ्लुएंस है, गंधार कला पे किसका इफेक्ट है, ये सब बता चुके हैं पहले. फिर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछ लिया गया है, कुतुब मीनार का, ताजमहल का, फतेहपुर सीकरी का. मैं अभी इसका आंसर भी बता सकती हूँ, लेकिन ये पूरा सॉल्व भी आपको मिल जाएगा, बट आप खुद याद करेंगे अभी, क्योंकि अभी सब बता दिया है ना, तो वो आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा. क्या कॉम्पोजिशन लिखा है, का पूछ सकता है, भारत कॉम्पोजिशन.
भारत मुनि ने कलाओं के लिए कौन सा, हाँ भारत मुनि, ये वो इम्पोर्टेंट है, नहीं बताया ये कि कलाओं के लिए भारत मुनि द्वारा लिखा गया ग्रंथ, तो नाट्य शास्त्र लिखा है जिसमें उन्हें कलाओं के बारे में बताया है। संसार चंद कौन से स्कूल ऑफ पेंटिंग के पैटर्न थे, बताया आपको, संसार चंद का नाम बताया था, सावम सिंह का नाम बताया था जो इम्पोर्टेंट है, कृपाल पाल का नाम बताया था, लेकिन कौन से स्कूल से कौन है वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मैं नहीं बता रही अभी, ट्राइब ऑफ लेवर, हाँ श्रम की विजय, क्वेश्चन लिख लो, आंसर चाहो तो अभी इंस्टाग्राम पे भी डीएम करके पूछ लेना, लेकिन अभी आपको ये सब बता चुकी हूँ इसलिए नहीं बताएगी। ट्राइम्प ऑफ लेबर, श्रम की विजय किसने बनाया है, कौन से माध्यम से बनाया, ये भी लिख लेना। गौतम बुद्ध, ये नहीं बताया वो बताऊंगी, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम जो प्रवचन है वो कहाँ पे दिया था, तो सारनाथ में दिया था, ठीक है। गौतम बुद्ध की जन्म किधर हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध ने निर्वाण, निर्वाण मतलब मृत्यु अपने, मतलब उस पे समाधि लेना, वो कहाँ पे ली थी, तो कुशीनगर में ली थी। मधुबनी लोक चित्र अभी बताया था आपको कहाँ का है। मूवेबल टाइप को, अब ये थोड़ा सा अगर ग्राफिक्स भी आजकल आता है तो ग्राफिक्स के लिए तो दो तीन चीज याद रखो, एक तो सबसे पहले ग्राफिक में प्रिंट मीडियम में क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ऊपर की सतह पे प्रिंट लेने को क्या कहते हैं, इंटेग्लियो। नीचे के सतह पे, मतलब अगर सतह कैसे ढलान वाला हो और उस पे प्रिंट लेना है तो उसको क्या कहते हैं, रेलीफ। ओ उल्टा बोल रही हूँ, सॉरी, नीचे के सतह को रेलीफ इंटेग्लियो बोलते हैं, और उभरी हुई चीज होगी तो रेलीफ बोलेंगे, मतलब कोई भी उभरे हुए सरफेस से अगर आप प्रिंट ले रहे हैं तो वो रेलीफ प्रिंट मेकिंग होगी, और प्लेन सरफेस से अगर आप प्रिंट ले रहे हैं तो वो प्लेनोग्राफी होगी, ठीक है। दूसरी यही चीज के मूवेबल टाइप प्रिंट जो थी, मूवेबल टाइप है, उसका इन्वेंशन किसने किया, तो वो जॉन गुटेनबर्ग ने किया था मूवेबल टाइप का, ठीक है। बाघ गुफाओं में किस शैली का प्रभाव है, आपको बताया है अभी, किसकी कंटेम्प्रेरी है और किस शैली के प्रभाव है, ये भी बताया था। फोटोरियलिज्म क्या है इसके बारे में बताइए। फोटोरियलिज्म मतलब कोई भी पेंटिंग है जो बिल्कुल फोटो जैसी दिखती है, फोटोरियलिज्म। विकास भट्टाचार्य की पेंटिंग देखो, फादर ऑफ फोटोरियलिज्म, इतना रियल मतलब कि आप पहचान नहीं कर पाओगे वो पेंटिंग है कि फोटोरियलिज्म, वो पे हाइपर रियलिज्म बोलेंगे ना आप उसको, जैसे उससे भी ऊंचा फोटोरियलिज्म। बिल्कुल वही है वो, ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा, हाँ ये आपको, क्योंकि ये वाली चीज अपनी डिस्कस नहीं हुई इसलिए बता रही हूँ। दो या दो के अधिक अक्षर को एक साथ मिलाकर ही बॉडी को कहते हैं, एक साथ मिलाना मतलब, इनको लिख के बताना पड़ेगा शायद, अरे मतलब जैसे जो दो लेटर को एक जैसा बना के नहीं स्टाइल में लिख देते हैं, इस तरह से जैसे दिख रहा है आपको, ये ए और बी लिखा हुआ है जैसे, हाँ ए और बी को लिख रखा है मैंने जैसे, जो के है ना, ठीक है वो व्हाटएवर जो भी उस पे उसके आर्टिस्ट, तो इस चीज को एक कॉपी के उसमें लिखता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको लिगेचर्स बोलते हैं, लिगेचर्स। फिर और पहला न्यूज़पेपर जो, हाँ लोगो क्या होता है, लोगो टाइप क्या होता है, तो एक जैसे कि लेटर, लेटर को अगर आप चित्र के उसपे लेटर टाइप से होता है लेटर को उसपे, उसको लोगो टाइप बोलते हैं, ठीक। फिर आते हैं पहला न्यूज़पेपर जो भारत में पब्लिश हुआ, प्रिंट हुआ, वो बंगाल गजट, इसको हिकी गजट भी कहते हैं, जेम्स ऑगस्ट हिकी इनने स्टार्ट किया था, ठीक है, इतनी चीज याद रखो। और इसका जो वो है लैंग्वेज है वो बंगाली लैंग्वेज है। इंडिया में उदात मार्तंड ये पेंटिंग था, हिंदी में, हिंदी जो पेपर बोलेंगे तो उदात मार्तंड था, लेकिन बंगाल बोलेंगे तो आपका ये था बंगाल गेजेट था। कैपिटल लेटर को अपर केस भी कहते हैं, बहुत जनरल चीज है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। पोस्टर का प्रारंभिक नाम पूछा है, जो पोस्टर होता है उसका प्रारंभिक नाम सीक्वेंस, ये सब अप्लाइड आर्ट के शायद कुछ कुछ क्वेश्चन ज्यादा हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, अभी आपको इतने आर्टिस्ट डिस्कस किया, आ जाएगा नेम द स्कल्प्टर फ्रॉम द फॉलोइंग, नेम द पेंटर फ्रॉम द फॉलोइंग, नेम द प्रिंट मेकर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो जैसे इसमें शैलोज मुखर्जी है, नागजी पटेल है, जामिनी रॉय है और अमृता शेरगिल है, इन चारों में से तीन आर्टिस्ट को हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कस किया है आप ही को, इसमें से एक तो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट की एलुमनाई है, तो आप खुद बताएं कि इसमें से मूर्तिकार कौन है,
जातक कथा का क्या मतलब होता है बताया आपको अभी, इनमें से, हाँ इनमें से कौन सी आर्ट, मतलब आर्ट मैगजीन है, मार्क का नाम दे दिया, आर्ट इंडिया भी दे सकते हैं, समकालीन कला दे देंगे आपके, आर्ट जर्नल, दिल्ली का ललित कला, समकालीन कला कहाँ से आता है तो दिल्ली ललित कला एकेडमी का देते, तो ये चीजें आप लोग थोड़ा सा देख लेना, नाथद्वारा शैली जो है कहाँ की है, कहाँ से है, राजस्थान जो भी। अभी देखो जो अभी लास्ट में कोई पूछ रहा था कि प्लेटो आएगा क्या, तो प्लेटो नहीं आएगा पर क्वेश्चन आ गया देखो, नेम द कंट्री हुज फिलोसोफर प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इमिटेशन, कौन से देश के दार्शनिक ने अनुकरण के सिद्धांत, तो अभी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको पता है कि प्लेटो ग्रीक का है, यूनानी है और उसने इमिटेशन दिया है तो आप आंसर कर लोगे, तो उतनी चीज ही बस बहुत है। ये आ गया दिल्ली शिल्प चक्र का भी आ गया कि दिल्ली सॉरी शिल्प चक्र का आ गया कि शिल्प चक्र मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो दिल्ली बताया। लव से रिलेटेड, प्रेम से रिलेटेड कौन सी पेंटिंग कौन से स्कूल में ज्यादा हुई है, तो कांगड़ा में, कांगड़ा क्यों, क्योंकि पहाड़ी है वहां का, आप देखो हिमालय एरिया राधा कृष्ण का पेंटिंग ज्यादा, तो लव थीम पे ज्यादा पेंटिंग बनी। पोस्टर कलर का नेचर क्या होता है, अब पोस्टर कलर यूज करते हो पता ही है कि पोस्टर कलर का नेचर क्या होता है, उसने पूछा सेमी ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या कोई नहीं है, तो हमको पता है हम ओपेक में यूज करते हैं पोस्टर ऐसा, तो ये चीजें बहुत आसान बन जाती है। अब इसमें से ग्राफिक आर्ट क्या है, इम्पैस्टो अभी आपको बताया था पेंटिंग का टेक्निक, एचिंग, कोलाज और एक और क्या है इलस्ट्रेशन, है ना, तो इसमें आपको पता है एचिंग जो है ये इंटेग्लियो का प्रोसेस है, तो आप उसको देख लोगे। एलोरा एलिफेंटा रह गया है, थोड़ा सा ध्यान रखना, एलोरा एलिफेंटा में क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कौन से राजा ने, मतलब कौन से समय पे काल में हुआ था, तो राष्ट्रकूट राजाओं ने बनाया था, एलोरा होगा चाहे एलिफेंटा जो भी है। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर है याद रखना, गुफा क्रमांक 16 में है ये याद रखना, और रावण जो पहाड़ को हिलाता हुआ ये वाली जो मूर्ति है वो भी एलोरा में मिली है, एलिफेंटा में त्रिमूर्ति मिली है, ये इसलिए बता रही क्योंकि लिखा हुआ है कि कौन सी कला एलिफेंटा में प्रोमिनेंट है, ठीक है, तो पेंटिंग है, लोक संगीत है, स्कल्पचर है, तो स्कल्पचर है। आर के लक्ष्मण कौन है आप लोग को पता है, बता सकते हो, आर के लक्ष्मण कार्टून देखते हैं ना हम लोग, आर के लक्ष्मण की दुनिया, तो ये पूछ लिया गया है कि वो कौन है। बिहू बताया, बिहू आपको अभी आसाम का है। गणेश चतुर्थी कौन से जगह पे सेलिब्रेट होती है, थोड़े जीके वीके भी आ जाते हैं इस तरह से, तो पता है आपको महाराष्ट्र में होती है। फिर चिकनकारी लखनऊ की, रामकिंकर बेज कौन है अभी बताया था, वैसे डीपी राय चौधरी भी आ सकते हैं। सिस्टाइन चैपल को किसने पेंट किया है, आप क्वेश्चन नोट करो, आपको सब बता चुके हैं, क्योंकि अजंता कहाँ पे है, लास्ट सपर ये नहीं बताया था, बता देती हूँ, लास्ट सपर किसकी पेंटिंग है, लियोनार्डो द विंसी की पेंटिंग है। रायसेन, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कौन सा स्तूप लोकेट है, बरहूत, साची, अमरावती या सारनाथ, ठीक है, तो बरहूत और साची उसमें है और रायसेन में आपका बरहूत है। देखो यही याद रहता है, एक्रेलिक कलर कौन सा पेंट है, ऑयल सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है, थिनर सोल्यूबल है या रेडीमेड है, वाटर सोल्यूबल। टू विच कंट्री वॉन गोग बिलोंग, वॉन गोग जो है नीदरलैंड डच के हैं, ये आ सकता है, पर ओवरऑल आ चीजें वहीं से रही है, आप देख सकते हो। वॉटर लिलीज किसने बनाया, क्लाउड मोनेट ने, जो मैंने आपको इंप्रेशनिज्म का बताया था, इंप्रेशनिस्ट सनराइज इंप्रेशन उनका है, वैसे वॉटर लिलीज भी है। मिकी माउस किसने क्रिएट किया है, तो वॉल्ट डिज्नी ने, बस इसी तरह के। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है, कोलकाता में है। बसावन अभी बताया था कौन से आर्ट स्कूल का है, मतलब राजस्थान, मुगल, बस हो गया है ये, तो आई होप पता इतना तो समझ आएगा, क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, है ना।
और तो ये वाली ऐसा देख पेंटिंग है लेते हैं लास्ट अपन सफर वाली, क्या। ये मैं पेंटिंग दिखा रहा था, लास्ट सफर की जो है ना, ये वाली अगर दिखती है हाँ वैसे लास्ट तो सफर ये पेंटिंग है जीसस और क्राइस्ट काफी के उसपे, बड़े मतलब वो साइज का भी कोई अंतिम पेंटिंग है। भोज कहते हैं उसको। हाँ इस तरह का पूरा ऐसा लैंडस्केप फॉर्म में बड़ा पैनल है ये, फ्रेस्को म्यूरल है। ठीक तो आप एक बार अगर पेंटिंग भी है देख लोगे सर। नाम के साथ साथ तो वो याद होती है हाँ आपको। पेंटिंग जिस दिन के नाम है आप देखने से ही याद होती है, ऐसे रट्टा नहीं मार रखा है मैंने भी क्योंकि इतनी पेंटिंग्स देखी है तो वो याद रह हाँ जाती है वही। ऐसा। और तो ये आपकी थ्योरी की जो है तैयारी थी, ठीक है। सो इसके अंदर हमने पहले आर्ट हिस्ट्री देखी, इंडियन आर्ट के बारे में सारा कवर किया, ओवरऑल जितना बेस होता है ना, बेसिक आपका। अब जिसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है उसको क्या होगा, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जब वो बुक्स वगैरह पढ़ रहा होगा। आप एक बार बुक्स के सजेशन दे दीजिए करना हिंदी में क्या कि है हमको? बुक्स कौन कौन सी यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक तो बुक्स तो 12th की मेरे बुक हिसाब होती से है। आप लोग ज्यादा, जैसे ये टीजीटी हाँ होता है जगह, मतलब लोग ना आजकल टीजीटी पीजीटी ने इतना वो दे दिया, यूट्यूब चैनल भी बड़ा डीप डीप में हाँ बताते हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो आपको बुक्स जो है सिर्फ 11th 12th बेस की जो बुक्स होती है हाँ वही। वही आपको यूज करने की जरूरत है, क्योंकि उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। ना आप नहीं लोग पड़ेगा। प्लीज क्वेश्चन के लिए आप यूज कर रहे दूसरे वीडियोस, छोटे क्वेश्चन, जैसे आज मेरे चैनल पे भी जाना तो बिल्कुल नेट का पेपर खोल, भूल के भी मत खोल लेना, नहीं तो क्योंकि वो एक चीज भी आपके सिर के यहाँ तक भी नहीं आएगी, इतनी ऊपर हाँ से जाएगी, क्योंकि आप खुद समझिए कि वो लेवल कहाँ है। लेकिन आपको हाँ मेरे उसमें बीएसए वाले दिख मिलेंगे तो आप उसको देखिए, तो उसमें एक वो वो बेसिक देखना। वाले भी मिलेंगे, जैसे एक स्टेट एग्जाम नॉर्मल उस तरह के क्वेश्चन देखोगे तो समझ आ जाएगा। तो बस उसी में देखो, जो भी चैनल और भी चैनल है उसमें सर्च करो जो बेसिक क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको, मतलब बेसिक या लीजिए टीजीटी पीजीटी लेवल के भी दे रहे हैं तो वो भी देखो, लेकिन बीएफए के देखो, अदर आर्ट एग्जाम्स के देखो तो क्वेश्चन से आपको समझ आएगा। प्लस जो अभी बोला है, जिस लोगों ने नोट कर लिया होगा ना उनके लिए बहुत आसान हो जाने वाला है, क्योंकि जैसे अपन ने सर आर्टिस्ट तो नोट करवा दिए, अब इन आर्टिस्ट को ये लोग एक एक बार विकिपीडिया में भी देख लेंगे ना तो बहुत काम बच जाएगा, कहाँ के हैं क्या क्या पेंटिंग्स ये देख लोगे फिर क्या दिक्कत आएगी, एम एफ हुसैन को एक बार सर्च कर लो क्या दिक्कत आएगी ऐसा। तो और और आपको अगर अभी आपकी बोल रहे हैं 22 को एग्जाम है, आपको कोई अगर डाउट आता है आप पढ़िए, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं बिल्कुल देखती हूँ आंसर भी करती हूँ। टेलीग्राम पे हमारा विजुअल आर्ट्स विद विनी करके ग्रुप है, आप वहां भी ज्वाइन हो सकते हैं, तो उसमें भी आर्ट रिलेटेड चीजें बहुत सर्क्युलेट होती है, तो वो आप लोगों के लिए यही बस यही चीज हो सकती है, यूजफुल हो जाएगा यही। तो मेरे को भी दे देना ग्रुप का लिंक, मैं भी ज्वाइन कर लूंगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल, वो है ही ऐसा ओपन ग्रुप है और बहुत चीजें डिस्कस होती है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। वो सिर्फ चैनल बना लेने में क्या होता है कि सिर्फ मैं चीजें डालती रहूँ, नहीं ये फॉर ऑल है, हमने ऐसे ही नहीं बनाया कि मेरा चैनल का नाम है मतलब सिर्फ मेरा ग्रुप है, नहीं वो सबका है, वो सब बड़े अपने, कभी मैं वहां पे क्विज नहीं कराती तो ये लोग खुद भी करवा लेते हैं, दो चार लोग इनिशिएटिव है ऐसा, और ऐसे अभी नेट का रिजल्ट आएगा उससे उनका रिजल्ट सब समझ आ जाएगा, काफी मेहनत करते हैं, अपने फील्ड में भी लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और अच्छा है, अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो बच्चे अभी आगे जा रहे हैं उनके लिए भी यही मेरी दुआ है कि जल्दी आगे जाए, बड़े बड़े बने, आप भी आगे बढ़े, बीएफए एमएफए करे, नेट करे, पीएचडी करे, आगे जाए, अच्छे आर्टिस्ट बने, बस यही दुआ है। और बस कोई डाउट हो तो, अब थोड़ा सा जल्दी मैं एंड करना चाह रही थी सर क्योंकि थोड़ा सा टाइम हो गया था और बिल्कुल। लीव करना है। तो अब विन्नी जी की जो है क्लास ओवर हो गई, तो अब मतलब आपका तो हो सकता है, जाहिर सी बात है, अब जिन जिन को भी अब थ्योरी पढ़नी है, देखो बेसिक इसमें कवर हो गया, ठीक है, जो जो ऊपर ऊपर का था, ठीक है, मोटा मोटा वो समझा दिया। अब उस मोटे मोटे में बस आपको थोड़ा थोड़ा डीप में जा सकते हो, ज्यादा डीप में नहीं जाना। जैसे कि विन्नी जी ने बताया कि नेट वाली वीडियोज मत खोल लेना, फिर सर के ऊपर से मत जाएगा। खोलना, तो जो हाँ लेकिन बीएफए अगर कोई वाली जो चीज है टॉपिक ना, बस पढ़ना वो है ही आपको, पढ़ना। हाँ तो हाँ आप वो टॉपिक वाली वीडियो खोल सकते हो, सेपरेट टॉपिक के अलग वीडियोस है तो हाँ आप वो टॉपिक खोल वाले। सकते हैं। विजुअल आर्ट्स विथ विनी ऐसा करके ही नाम है टेलीग्राम पे, विजुअल आर्ट्स विथ विनी, और विजुअल आर्ट्स विथ विनी नाम से ही आपका यूट्यूब चैनल भी है, तो आप उस पे ज्वाइन हो जाओ, पब्लिक ग्रुप है और उस पे आपको चीजें मिलती है, वो बहुत हेल्प के लोग भी मिल जाएंगे हमारे फील्ड के, कहाँ कहाँ के लोग उसमें जुड़े रहते हैं, आप मैसेज करो तो आपको मिल जाते हैं आपको जैसा चाहिए। हाँ तो आप विन्नी जी के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये तो इंस्टाग्राम का है, तो यूट्यूब पे जाके जब भी वीडियो अपलोड होगी हाँ तो उसमें मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है।
लिंक भी होगा और उसमें वो भी हो जाएगा, तो वहां पे जाके भी कर सकते हो। यहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसको, ऐसे जो बन के आता है ना, नाम याद नहीं आ रहा मुझे तो वहां पे जाके आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो उनकी जो बीएफए वाली बेल वीडियो होगी वो आइकन देख लेना, हाँ बेल आइकन होता है उसको भी क्लिक करके रख लेना, ठीक है। और साथ साथ में ठीक है, जो इनके इंस्टाग्राम पे जो अभी इन्होंने बताया ना कि आर्टिस्टों के साथ वो इन्होंने कुछ लिख के लगा वो रखा है जरूर हाईलाइट्स देख लो, में, अगर एग्जाम देने वाले हो अभी दो हाँ चार दिन में भी तो प्लीज वो जरूर देख लो, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा उसमें, मैं सबको यही हाँ बोलती हूँ। वही आज मैंने सर अपने ही टेलीग्राम चैनल पे, अभी लास्ट कल आरपीएससी का एग्जाम था ड्राइंग एंड पेंटिंग का, और उसमें इतने क्वेश्चन उनने सारे उस आर्टिस्ट पोस्ट से, मैंने उन लोगों को बताया कि अगर तुम लोग इसको ध्यान से पढ़ लेते तो देखो अपने आर्टिस्ट का एक आंसर क्वेश्चन गलत नहीं होता। तो वो चीज तो मैंने अपने बच्चों को ही बोली है, भले नेट के लेवल पे भी, कि उसको आप पढ़ते रहो। अरे स्टोरी देखने में इतनी स्टोरी देखते हो, इतने लोगों की देखते हो, उस चीज में देखने में हाँ क्या वही जाता है, तो, पर वो आपके लिए कितना यूजफुल है वो आप देख लो। तो टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी चैनल है, उसमें सेव रहते हैं, फेसबुक पे भी, मैं तो सब जगह शेयर करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं, तो आप उस पे देख सकते हो बड़े अच्छे से। और उससे आर्टिस्ट वाली चीजें बहुत हेल्पफुल, मेरे को हेल्प किया है, क्योंकि रटना नहीं आता है, नहीं याद होता है कि ये आर्टिस्ट यहाँ से था, इतने हाँ कलाकारों वही को है। कैसे याद रखेंगे, हम भी इंसान है, लेकिन वो बस ऐसे याद रख सकते हैं हम इन चीजों से जोड़ के, या देख लिया एकदम, देखी हुई इमेज हमारे दिमाग में रह जाती है, वो आपके लिए जब आप देंगे आगे एग्जाम, ये और बड़ी बड़ी एग्जाम्स देंगे तो आपको याद आएगी ये चीज, बिल्कुल। है ना। चलिए और बस जो भी था थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज का समझाया था वो, और थोड़े बहुत जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हो उससे थोड़ा आप आइडिया ले सकते हो। सो इस तरीके से आपकी ओवरऑल अच्छे से तैयारी हो जाएगी, और मतलब फोटो के हाँ साथ बिल्कुल देखोगे तो और बिल्कुल हो आसानी से वो जाएगा, ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सो आप इस तरीके से अपनी थ्योरी ठीक की है। तैयारी जो है कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और जैसे कि अगर किसी को, अभी हमारी प्रैक्टिकल की भी क्लासेस चल रही है, अब जैसे थ्योरी की आपकी हो गई क्लासेस, अगर आपको प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल की क्लासेस करनी है, तो प्रैक्टिकल के लिए जो है आप हमारे एकेडमी के नंबर पे जो है क्या कहते हैं कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो वहाँ आपकी प्रैक्टिकल की तैयारी कराई जा रही है, कॉम्पोजिशन की, स्टिल लाइफ वगैरह की। सो आप उसके लिए जो है, आप प्रैक्टिकल के लिए जो है आप उस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो एकेडमी के नंबर पे, तो वहां से आपकी प्रैक्टिकल की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी बनाए रखनी है। अब देखो हम तो कर ही रहे हैं, आपको समझा ही रहे हैं आकर, अब बिन्नी जी ने भी दो सही घंटे बात है, किसी ने बोला है लेकिन लगातार हाँ बहुत टाइम हो गया, इसलिए मुझे ऐसा लगा नहीं, बट ये हमारा चीज ही ऐसी होती है ना, सब कुछ तो ले लेते हैं ये लोग, अब बीएफए एंट्रेंस में भी ये उतना ही ले रहे हैं जितना ये बड़ी बड़ी एग्जाम्स में हाँ लेते हैं, सब तो हाँ कवर कर वही लिया, वेस्टर्न ले रहे हैं, इंडियन ले रहे हैं, अब अपन छोटा भी करो तो कितना छोटा करो, ये बात है, बिल्कुल। पर अभी बहुत छोटा कर दिया है अभी भी। लेकिन आप लोगों से मेरा यही वो है, अगर आप लोग को काफी अभी कमेंट्स में भी दिख रहा है किसी को कुछ चीज का, कि कोई टॉपिक में, जो टॉपिक में डाउट हो यूट्यूब पे भी है आपका, आप उस टॉपिक को पढ़ सकते हो और पर्सनली मुझसे पूछ सकते हो तो मैं उसको बता दूंगी, लेकिन इतने सारे टॉपिक्स को एक साथ डीप में कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप लोग करो, पढ़ाई करो, अभी है 2-3 दिन तो मैं आपका बिल्कुल अपना वो क्या बोलते हैं नहीं, रिक्वेस्ट 2 दिन में तो आपकी सेशन चेक बहुत करती तैयारी हो रहूंगी, जाएगी, आप पूरी बुक आराम से आपको पढ़ सकते एक हो, बहुत कुछ पूरा कर सकते हो। रूपरेखा बता दी है, आपको उसी हाँ तरह से कर दे, और आज जिनने पॉइंट्स नोट किए होंगे उनको, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कहीं जाएगा, ठीक है आज वो लियोनार्डो की मोनालिसा नहीं आएगी, कोई दूसरी पेंटिंग आ जाएगी, पर आएगा तो सही ना, वही से बाहर हाँ कोई वही दूसरे ऐसे अजीब आर्टिस्ट तो आ नहीं जाएंगे जो किसने सुने नहीं हो, कि आप बेसिक्स हैं उनको पता है कि वही चीज पूछेंगे जो सबको पता होगी, है ना, तो उस तरह से थोड़ा सा कीजिए। और थ्योरी को लेके ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे मतलब बहुत टेंशन ले रहे हैं, 30 नंबर का पेपर आएगा उसमें आपका वो कितना ही पूछेंगे, कितना ही डीप चले अच्छा जाएंगे। 30 का ही, हाँ 30 नंबर का ही आ रहा फिर तो ठीक है, है तो इतनी टेंशन है उसमें, वो प्रैक्टिकली पूछ रहे हैं, फिर आपका थोड़ा ग्राफिक्स का भी पूछेंगे, लोगों के टाइप्स होते हैं जैसे कि हाँ आराम पांच से, चार पांच टाइप के लोगो होते हैं, जैसे सिंबल लोगो हो गया आपका, एब्स्ट्रैक्ट लोगो हो गया, और तीसरा कौन सा होता है लेटर टाइप जो लोगो होते हैं वो हो गए आपके, चौथा आपका कॉम्बिनेशन लोगो होता है, पांचवा भी मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा होता है, वो कुछ ओल्ड क्लासिक टाइप का होता है पांचवा टाइप का, उसमें थोड़े मतलब अच्छा डिटेल अच्छा ज्यादा होती हैं उस वाले लोगो में, तो डिटेल लोगो भी बोलते हैं उसको। ऐसे करके कुछ कुछ लोगों के टाइप्स होते हैं, तो जो ग्राफिक्स अप्लाइड आर्ट से रिलेटेड है, आप अगर आप पेंटिंग का पेपर दे रहे हो तो ऐसा नहीं है कि मैं अप्लाइड के क्वेश्चन देंगे, पेपर सबका एक जैसा ही आता है, थ्योरी वाला सबका एक जैसा पेपर हाँ आएगा, थोड़े बहुत उसमें अप्लाइड के भी क्वेश्चन पूछेगा, थोड़े बहुत प्रिंट मेकिंग के, स्कल्पचर के भी पूछ रहा है। अब जैसे स्कल्पचर के आर्टिस्ट थे राम किंकन जी और अनीश कपूर के बारे में पूछ सकता है, स्कल्पचर बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं या फिर ये वाटर कलर करते हैं,
तो अनीस कपूर का क्वेश्चन जरूर पूछता है, कोहली तो फाट वाले पता नहीं, हर साल हाँ उनका क्वेश्चन जरूर अच्छा आता है है। हाँ सर, अनीश कपूर तो अभी हमारे नेट के एग्जाम में भी 5 क्वेश्चन आए एक ही आर्टिस्ट पे, इतना अच्छा इम्पोर्टेंट। अच्छा उनका क्लाउड गेट आया है, स्टेनलेस स्टील से बनाया है, किसने बनाया है, तो अनीश कपूर तो अभी चल रहे हैं, सही बात है। हाँ और दूसरे आर्टिस्टों के बारे में नहीं पूछते जो करंट में चल रहे हैं बाहर के, अनीश कपूर के बारे में पता नहीं जरूर पूछते। वो फिर वो क्योंकि वो उसमें नेशनल हाँ इम्पोर्टेंस भी हो हाँ गया है वही ना ना। चीजों में, इसलिए 5 क्वेश्चन आए लिटरली उसमें आए हैं अभी। और थोड़ा बहुत ये भी पूछ सकता है करंट अफेयर में, जैसे कि रेलवे की पेंटिंग्स कौन बनाते हैं, विजय बिसवाल जी बनाते हैं जैसे ज्यादातर, तो इस तरह के हाँ, क्वेश्चन भी आते हैं जो वो रेलवे करंट के से आर्टिस्ट रिलेटेड, हैं। बिल्कुल। जैसे आप लोग अभी इंस्टाग्राम पे जुड़े रहते हैं, देखते ही है ना फेमस वाटर कलर, उसमें रेल्स की पेंटिंग बिस्वाल सर ने कितनी बनाई है, तो वो चीजें थोड़ा सा आप लोग आएगा और हम उसमें आंसर भी करेंगे, क्योंकि हम लोग देखते ही है ना ये चीजें, तो थोड़ा सा वही अमित है कि कपूर का आपको क्वेश्चन भी अवेयर आया था रहने अमित की कपूर जी बहुत का भी। जरूरी है, वही अवेयर रहने की बहुत जरूरत है आपको। सुदर्शन बिल्कुल। पटनायक, उनका अभी देखा था, सैंड आर्टिस्ट है जो एक ही है, इकलौते, रोज मतलब इकलौते क्या बोलो, पर कितना हर हर सब्जेक्ट पे बनाते ही हैं वो, क्रिएट कर देते हैं अपना आर्ट, तो फेमस सैंड आर्टिस्ट ऑफ इंडिया है, तो देखिए उनको भी। और नेल सतीश आर्टिस्ट गुजराल जी का आता है भी क्वेश्चन वाजिद आ जाता खान, है। सतीश गुजराल जी का बिल्कुल आ सकता है, 26 मार्च 2020 पे डेथ हुई है, तो कौन से आर्टिस्ट है जिनका इस समय डेथ हुई है, तो आ सकता है, म्यूरलिस्ट है, आर्किटेक्चर है, आ सकता है, क्योंकि दिल्ली बेस्ड है ना वो भी, तो आएगा, उनका भी आ सकता है। आप लोग इन चीजों को सर्च कीजिए, फिर कोई भी दिक्कत हो तो आई एम देयर, है ना। ठीक है सर, एंड करें ठीक फिर, है चलो चलिए, बाय विनी जी, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू बाय सो मच, ओके सर, बाय बाय। बाय। अरे ठीक है, तो ये आज आपकी जो है पीएफए की थ्योरी की फुल तैयारी कराई गई है। सो आई होप कि आज का सेशन जो है आपको पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा, आज का सेशन आपने खूब एंजॉय किया होगा, खूब अच्छे से आपकी अब आपकी तैयारी वैयारी हो गई होगी बढ़िया से। ठीक है, सो बुक्स वगैरह आपको रिकमेंड कर दिए, 12th 11th की बुक पढ़ लो वो इनफ है। उसके अलावा डीप में थोड़ा बहुत विन्नी जी का चैनल देख सकते हो आप, ठीक है, उसमें थोड़ी हाइलाइट्स वगैरह देख सकते हो वहाँ पे आर्टिस्टों के। सो ये सब चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो अगर आपकी थ्योरी की तैयारी तो हो गई, अब आपको प्रैक्टिकल की तैयारी जो भी करनी है, तो प्रैक्टिकल के लिए बेसिकली मैंने अपने चैनल पे बहुत सी वीडियोस डाल रखी हैं, आप यूट्यूब चैनल पे वहां पे आप देख सकते हो प्रैक्टिकल के लिए। साथ में जो हमारी क्लासेस चल रही है अभी, जो बीएफए की ट्रेनिंग चल रही है, उस ट्रेनिंग के अंदर आप इनरोल कर सकते हो, ठीक है। और उस ट्रेनिंग के अंदर क्या होगा कि आपको, आप ट्रेनिंग के अंदर इनरोल करने के लिए आपको जो अकेडमी का नंबर दे रखा है ना इंस्टाग्राम की बायो पे, आप वहां बायो में जाके जो है नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अपनी क्लासेस का टाइमिंग वगैरह पूछ सकते हो। सो उसमें आपको क्लासेस की डिटेल दे दी जाएंगी जो भी आपकी पीएफए की तैयारी चल रही है, ठीक है, और उस अकेडमी के नंबर पे जो आप कांटेक्ट वगैरह कर सकते हो, जो आपकी बीएफए की जो प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाएगी फिर उसमें, ठीक है, जिस किसी को भी प्रैक्टिकल वगैरह में दिक्कत आ रही है। सो आई होप कि आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। वेलकम तरुण, सो बाय सभी को, ठीक है। और ये जो वीडियो ना यूट्यूब चैनल पे भी मैं डालूंगा और इंस्टाग्राम पे तो डली रहेगी, ठीक है, तो यूट्यूब पे भी आप आराम से इसको देख सकते हो मुझे से, ठीक है। सो बाय और हैप्पी पेंटिंग सभी को, अपना पेपर सब अच्छे से बढ़िया से देकर आना और घबराना मत, ठीक है, इतना कोई हवा नहीं है, थ्योरी सबसे इजी पेपर आता है थ्योरी का।